हाँ मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, यस सर, आ रही है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में इनइक्वालिटी पढ़ा था, यही ना? कुछ फंक्शन का डेफिनेशन को भी पढ़ा था। हम लोगों ने अगले क्लास में इनइक्वालिटी और डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था, और फिर हम लोगों ने कुछ डोमेन के बारे में पढ़ा था, डोमेन रेंज को डोमेन, और वहां से हमने चलना स्टार्ट किया था। बीच में इनइक्वालिटी जाए, फिर उसका मैंने डिस्कस किया था और वहीं पर कंप्लीट समाप्त हो गई क्लास। हाँ, तो आज हम लोग कुछ बातें करेंगे थोड़ी बहुत, फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी में चेंज हुआ है। हाँ, जो पहला बैच था मेरा, हम लोग का कुछ दिन पहले मैंने टेस्ट किया था, तो सबका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तो अब उनका हर संडे को टेस्ट होगा और मिनिमम उसमें 120 क्वेश्चन होंगे मिनिमम, ठीक है ना? और कंटिन्यू 5 आवर का टेस्ट होगा। तो यह एक तरह का रिविजन ही टेस्ट है, ठीक है? क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप कितना कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूं, मुझे आउटपुट चाहिए। सिंपल सी बात, केवल आप ही मेहनत नहीं कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट चाहिए। तो उसी को देखते हुए मैं हर संडे को टेस्ट कर रही हूँ, या हो सकता है कि संडे को शिफ्ट करके सैटरडे कर दूं, ताकि उन लोगों का मैं संडे को डिस्कशन करा सकूं। जो भी उसमें क्वेश्चंस प्रॉब्लम है उनसे नहीं हुए है तो उसका मैं डिस्कशन करा दूंगा, तो मोस्ट चांस है कि सैटरडे को कर दूंगा। तो यही सेम केस आपके साथ भी होगा। अभी नहीं, अभी आप लोगों का कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है कि मैं टेस्ट लू। हाँ, एक टेस्ट होगा जनरल, जो टेस्ट होता है जैसे IIT जैन का टेस्ट होता है ना, उस पैटर्न पर एक टेस्ट होगा, और एक मिक्स टेस्ट होगा। यानी होगा टेस्ट की ही तरह जैसे आपका नॉर्मल टेस्ट होता है ना जैन के पैटर्न, तो वैसे ही वो आपका मीन्स वो भी टेस्ट होगा, जो 120 या 130 या 150 जो भी है, कभी कभी 200 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और वो टेस्ट गूगल फॉर्म पर होगा, ऑब्जेक्टिव, सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव NAT वगैरह रहेंगे। उससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी होगी, रिवीजन भी होगा, कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होगा, और स्पीड अप मीन्स आपकी स्पीड बनेगी, ठीक है ना? आपकी हमेशा शिकायत रहती है कि सर मुझे सब कुछ आता है फिर भी मैं क्वेश्चन ज्यादा नहीं कर पाता हूँ, तो उसके कुछ रीजन है वो क्यों नहीं हो पा रहा है। हम उस पर वर्क करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, और वो क्या क्राइटेरिया है जिससे आपकी स्पीड अप बन जाए। मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि पेन तेज चलाने से स्पीड नहीं बनता। आपको लगता है कि मैं पेन की स्पीड ज्यादा कर दूंगा तो मेरी स्पीड बन जाएगी, ये आपकी गलत फहमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो स्पीड आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट कितने तेजी से आते हैं, या उसके आने का फ्लो कितना स्पीड है, या आते समय आपको संदेह तो नहीं हो रहा कि क्या मैं सही अप्लाई कर रहा हूं क्या मैं गलत अप्लाई कर रहा हूं। यदि आप ये भी सोचते हो तो इसमें मिनिमम 10 से 15 सेकेंड निकल जाते हैं जिससे आपकी पेन स्लो हो जाती है। तो कुछ रीजन है या कैसे दूर होगा इस पर हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे, क्योंकि मेन मेरा काम है, यानी हमारा सीखने के साथ साथ मेन फोकस है कि जो वो 3 आवर्स के लिए जो हम तैयारी करते हैं ना, वहां हमारा आउटपुट बेस्ट हो, यानी वो हमारा बेस्ट टाइम है, अभी तक का वो हमारा समय सबसे बेस्ट हो। और मैं बार बार यही कहूंगा, आप जिस चीज के लिए आए हो उस चीज को आप ध्यान में रखो, और किसी चीज को पाने के लिए जितना आप मेहनत करते हो उससे दुगुना मेहनत करने की कोशिश करो। और आपका जो एग्जाम है ना IIT जैन, ये मैं आपको बतला दूं, आपके लाइफ का सबसे इजी एग्जाम, IIT जैन जो एग्जाम है आपके लाइफ का सबसे इजी एग्जाम में से एक है। इससे आपको इजी एग्जाम कभी फ्यूचर में नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। इसके रीजन से है ना कि 50% ही कट ऑफ जाता है, मीन्स 50% आप कर दो तो आपको IIT बॉम्बे मिल जाएगा जनरल कैटेगरी से। अभी तक का जो एवरेज में डेटा की बात बतला रहा हूँ, पार्टिकुलर ईयर की बात मैं नहीं कर रहा, मैं एक एवरेज डेटा की बात कर रहा हूँ, आपको IIT मिल जाए।
वो भी आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा। तो 100 में 50 लाना बड़ी बात नहीं है, वो कैसे आएगा मैं आपको गाइड करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके बाद कि जो आईआईटी जैम का एग्जाम है ना, वो जेई के कंपेयर में मल्टीपल टाइम्स इजी है। मैं चूंकि मैं वीडियो को ये पब्लिक करने वाला हूँ इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ मैं अगले क्लास में आपको बतला दूंगा कि मल्टीपल टाइम्स इजी क्यों है, क्योंकि मैं पब्लिक करूंगा तो लोग अपने अपने विचार देंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो केवल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना। और आप मुझे विश्वास है कि आप मानोगे, क्योंकि नहीं मानने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपको मानना ही है। तो हाँ 50% कट ऑफ क्यों जाता है, मीन्स लड़के 60% ही क्यों कर पाते हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं कर पाते, जबकि केवल ये मैथमेटिक्स ही पढ़ते हैं और स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ते हैं। जेई के बच्चे जो जेई वाले होते हैं वो टेंथ करके आते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं होता है, और वो साथ में फिजिक्स भी कंप्लीट करते हैं, मैथमेटिक्स भी कंप्लीट करते हैं और केमिस्ट्री भी कंप्लीट करते हैं, फिर भी पेपर कैसा भी हो वो 90% कुछ बच्चे जरूर लाते हैं, और बहुत सारे बच्चे 80% प्लस लाते हैं, बहुत सारे बच्चे। लेकिन जैन में आप ओनली मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, ओनली स्टाइल्स भी एक तरह का मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, ओनली आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, फिर भी एमएस पेपर की मैं बात बतलाता हूं, एमएस पेपर में 60+ इस बार केवल 2 स्टूडेंट की है, यदि श्रुति का काउंट कर लो तो 3 स्टूडेंट, यानी 60 और 60 मात्र केवल 3 स्टूडेंट की है, और टॉपर का 68 या 67 है एमएस पेपर में, और एमए पेपर में 72 है, जबकि ये केवल मैथमेटिक्स ही पढ़ते हैं। तो क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आप उस कमी को दूर कर सको। यानी कहने का मतलब ये है ना कि आईआईटी जैम एग्जाम आपका बहुत इजी एग्जाम, और इतना मार्क्स ही क्यों आता है इस पर हम डिस्कस करेंगे, बट अभी नहीं, हम फ्यूचर में इस पर डिस्कस करेंगे, आज कल परसों तक हम इस पर डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप अभी से सिंसियर हो जाए, जितने भी आप तैयारी कर रहे हो आप अभी से ही सिंसियर हो जाए कि इतने मार्क्स आने की क्या रीजन है, क्या वो ज्यादा जीनियस नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, हुनर की कमी नहीं है, फिर भी इतना ही मार्क्स क्यों ला रहे, तो कुछ है रीजन जिस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, हम अभी पढ़ाई करेंगे, मैं पढ़ाने के मूड में हूँ। और हाँ मैं कुछ बतला रहा था, आईआईटी जैम एग्जाम आपको बहुत बहुत यानी आपके सोच से भी ज्यादा ये इजी एग्जाम, तो बात आती है टॉप कैसे हो जाता है, तो टॉप आपकी लापरवाही से होता है, यह एग्जाम टॉप आपकी केवल और केवल लापरवाही से होता है और कुछ भी नहीं, मीन्स और किसी भी चीज का इसमें रोल नहीं। और सर जेई एग्जाम में भी बच्चे लापरवाही करते हैं, वहां बच्चे लापरवाही नहीं करते हैं, वो टॉप एग्जाम है, जैन के कंपेयर में टॉप एग्जाम, आप थोड़ी बहुत लापरवाही भी करोगे तो फिर भी एग्जाम क्रैक कर लोगे, लेकिन वहां थोड़ी बहुत भी लापरवाही करोगे ना तो आप करीब भी नहीं रहोगे, काफी दूर फेंके जाओगे। तो आपका जैन एग्जाम बहुत इजी एग्जाम है, कैसे है आपको भी दिख रहा है कि 100 में 50+ करना बड़ी बात नहीं है, 100 में 50+ करना बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी वे है, बहुत इजी वे में आप 50 ला सकते हो, आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए तो कम मेहनत में आप 50 ला सकते हो, ज्यादा गधे की तरह मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। तो हाँ, और एक चीज कि मैं पिछले क्लास में लेवल की बात किया था, ठीक है, कि आप जितनी मीन्स नहीं होती है कि हमें ये चीज, हम किसी चीज को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वो अचानक चीज मुझे पता चलती कि ये मैं चीज पा सकता हूँ, ये मिल सकती है, यानी जिसके लिए मुझे लग रहा था कि जो मुझे लग रहा था कि दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन उसके लिए अभी भी एक दरवाजा खुला है, आप उसके लिए जीत और मेहनत करोगे, जितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट है आप उसे दुगुनी मेहनत करोगे। और एक चीज और मैं बोला था कि लेवल की बात बोला था कि लेवल आपको दुगुना करना,
तो बात आती है कि लेवल को इंप्रूव कैसे करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क्स यही है ना कि हम लेवल को इंप्रूव कैसे करें, हम इस पर भी बातें करेंगे। यानी कुछ अभी भी बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब मुझे देना है। आप पूछते हो तो अच्छी बात है, नहीं पूछते हो तो मेरा सवाल भी मेरा होगा और जवाब भी मेरा होगा। तो हम इस पर आगे बात करेंगे। अभी आपके मीन्स अभी कुछ मैं पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर ध्यान में रखो कि जो भी तुम पढ़ रहे हो उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना। लेवल कैसे इंप्रूव होगा वो मैं आपको बतला दूंगा। ऐसा नहीं कि आप टफ क्वेश्चंस करोगे तो आपका लेवल इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। यदि आप ये सोचते हो कि मैं टफ टफ क्वेश्चंस करूंगा तो आपका लेवल इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ इसका रोल है, लेकिन सबसे ज्यादा रोल किसी और चीज का, सबसे ज्यादा रोल किसी और चीज का। यानी जो भी आप डिफिनेशन पढ़ रहे हो, जो भी आप बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हो, उसको हर एक एंगल से समझने की कोशिश करो। नहीं होता है कि हम क्वेश्चंस कर लिए खुश हो गए, वाह मेरे से क्वेश्चंस हो गया, एंसर मैच हो गया, आप खुश हो गए, फिर आप आके मीन्स आप आगे निकल गए। तो आगे नहीं निकलना है, आपको ये सोचना है कि वो क्वेश्चन आपसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपने उसमें क्या अप्लाई किया, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, ऐसा क्या चीज था जो आप पहले नहीं जानते थे, या उस क्वेश्चन में कितने स्टेप्स कॉमन है। कॉमन करने का मतलब वे ऐसे कितने स्टेप्स है जो आप शुरू से करते आ रहे हो, या पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, या पिछले के पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। ये सब कुछ आपको समझना होगा। तो मीन्स इस तरह से लेवल इंप्रूव होगा। इसमें और भी कंडीशन है, केवल यह एक उसका उसका एक कंडीशन है। इसमें चार पांच कंडीशन है कि आपका लेवल कैसे इंप्रूव होगा। तो उसमें से एक ये है, कोई भी क्वेश्चन की मैं बात बतलाता हूं, कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, यदि आप उसको अलग अलग फ्रेम में देखोगे ना, जैसे क्वेश्चन टॉप कैसे बनता है, सबसे पहले आपको ये समझना है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन को डिफिकल्ट कैसे बनाया जाता है। तो मैक्सिमम चांस ये होता है कि एक क्वेश्चन में 3-4 कंसेप्ट मिलाकर के क्वेश्चन को टफ बनाया जाए। एक ही क्वेश्चन में आप 3-4 कंसेप्ट को मिक्स कर दो तो क्वेश्चन टफ हो जाता है और कंसेप्चुअल हो जाता है। तो इसके अलावा और भी चीज है, ठीक है, और भी पार्टिकुलर टॉपिक से भी क्वेश्चन टफ बनाते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस यही होता है कि 3-4 कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन को टफ बना। अब इसको सॉल्व कैसे करना, तो यदि आप जितने भी कॉन्सेप्ट है, यदि आप हर एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग फ्रेम में सोचोगे तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। भले टफ है लेकिन आप अलग अलग फ्रेम में सोचोगे तो ये क्वेश्चन इजी होगा। तो जो भी यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट मिक्स हुआ है ना, तो हर एक कॉन्सेप्ट का केवल बेसिक पार्ट यूज होता है, हर एक कॉन्सेप्ट का केवल बेसिक पार्ट यूज होता है, बेसिक। जैसे आपको मैं याद दिलाता हूं, जैसे आप ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व कर रहे थे 10th क्लास या 12th क्लास में या 11th क्लास में, आपने ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व किया, सबने किया, चाहे आप मैथ बैकग्राउंड से हो या स्टैट्स बैकग्राउंड से, हर कोई करके है। तो जब आप पार्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन कर रहे थे तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल रहे, एक अप्लाइड क्वेश्चन मिल रहे थे जिसमें काफी कुछ कैलकुलेशन करना होता था, काफी कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता था, मल्टीप्लाई करना होता था, सेट करना होता था। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन पढ़े और इंटीग्रेशन और ट्रिगोनोमेट्री आए तो आप देखना उसका केवल बेसिक पार्ट यूज हुआ था, मैक्सिमम साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम यही यूज होगा, मैक्सिमम यही यूज। जैसे आप कॉन्टिन्यूटी फ्यूचर में पढ़ोगे, आगे में कॉन्टिन्यूटी पढ़ाऊंगा, तब पहले लिमिट पढ़ोगे फिर कॉन्टिन्यूटी पढ़ोगे। तो जब आप लिमिट पढ़ोगे तो एक से डिफिकल्ट क्वेश्चन करोगे, लेकिन जैसे कॉन्टिन्यूटी पढ़ोगे तो कॉन्टिन्यूटी में लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो वहां जो लिमिट यूज होगा ना, वहां बेसिक लिमिट यूज होगा, बेसिक लिमिट यूज होगा, जीरो लेवल का लिमिट यूज होगा, हाई लेवल का लिमिट यूज नहीं होगा, जीरो लेवल का। तो आपको क्या जानना है, केवल कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन का, इसको और टफ बना सकता है, यानी इसी का कॉन्सेप्ट को मिक्स करेगा और डिफरेंसिबिलिटी में चला जाएगा। तो डिफरेंसिबिलिटी के लिए कॉन्टिन्यूटी चाहिए और कॉन्टिन्यूटी के लिए लिमिट चाहिए।
तो अब एक ही कॉन्सेप्ट में तीन कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो इसी को थोड़ा बीच मसाला मिला करके थोड़ा इसको कॉन्सेप्चुअल बना देगा। यदि आपको लिमिट आती है, कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन मालूम है और आपको डिफरेंसबिलिटी का फॉर्मूला मालूम है, डेफिनेशन मालूम है, आप क्वेश्चन को कर ले सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप जीरो लेवल पर फोकस करते हो, जो डिफिनेशन है उसको काफी एक्सपैंड करते हो, नहीं होता है एक बार का क्वेश्चन सॉल्व करके वहीं तक छोड़ देता। मैं पहले भी ये बात बोला, अभी फिर से बोला, एक लड़का है कि उस क्वेश्चन को कर करके ना ये सोचता है कि अच्छा हम हर एक क्वेश्चन में यही अप्लाई कर, यानी अपने आप को कन्विंस कर रहा है, अपने आप को क्वेश्चन करके वो कन्विंस कर रहा है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा या जब भी इससे रिलेटेड कंसेप्ट आएगा मैं हर जगह इसको अप्लाई कर सकता। तो यह बोल के आप क्या कर रहे हो, अपने आप को कॉन्फिडेंस में ला रहे हो। और टॉप क्वेश्चन जैसे आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे तो वो टॉप क्वेश्चन आपके लिए टॉप नहीं रहेगा। मैं मानता हूं कि आप सभी नहीं कर पाओगे, लेकिन 70% कर दोगे इसकी गारंटी है। और आप 70% कर दोगे बहुत है, आपका IIT जैन क्रैक हो जाएगा। और IIT जैन में सभी क्वेश्चन टॉप नहीं आते, बहुत इजी क्वेश्चन आते, कुछ क्वेश्चन टॉप आते हैं जो करने के लिए नहीं होते, छोड़ने के लिए होते, तो हमें छोड़ने के लिए भी सीखना पड़ता है। तो हमारा पहला काम होगा लर्निंग, हमें सीखना है, फिर हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग एक्यूरेसी की बात करेंगे, फिर स्पीड की बात। तो इतने सारे फैक्टर है, फिर हमें किस क्वेश्चन को, अब हम उससे गए ना, अब हम स्किप की भी बात करेंगे, हमें किस क्वेश्चन को स्किप करना, और यह चीजें मल्टीपल टाइम्स हम रिपीट करेंगे और रिपीट करते करते हम चीजों को सीख जाएंगे और एग्जाम के पैटर्न को समझ जाएंगे, क्वेश्चंस IIT कैसे पूछ रहा है वो भी हम समझ जाएंगे और उसी पर हम लोग काम करेंगे। तो आप लोगों का भी संडे का मिनिमम मीन्स आप लोग कॉलेज से प्रिपेयर रहना, मिनिमम 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और यह रिवीजन टेस्ट होगा। आप जितने भी पीछे पढ़ चुके हो, मैं आपसे बोला था ना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका आज क्वेश्चन हो रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि जब आज आप टॉपिक्स पढ़ लेते हो तो आपसे वो 2 महीने के बाद उसका क्वेश्चन होना चाहिए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं कि पढ़ते जाओ आगे और पीछे भूलते जाओ, तो जब आप फिर से पढ़ना स्टार्ट करोगे फिर से इतना ही मेहनत करना हो, तो आपको पढ़ने का फायदा क्या हुआ, मेरे पास आने का फायदा क्या हुआ, तो मेरे पास आने का आपको कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। तो मेरा टारगेट है मेरा हर एक स्टूडेंट 50+ का, और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तो आपको भी तैयार होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जब मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और चूंकि मैं मेहनत आपके लिए ही कर रहा हूँ, मैं पिछले क्लास में ही बोला था कि जितनी इच्छा आपकी IIT में आने की है उससे कई गुना मिस उससे प्रबल जिज्ञासा मेरे अंदर आपको IIT पहुंचाने की। और एक बार मैं 2013 में एक सर के पास गया था पढ़ाने के लिए, मैं ग्रेजुएशन भी मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी, और चूंकि मैं JEE की तैयारी किया था तो मेरा JEE अच्छा था, मैं कहा मैं सर में पढ़ाना चाहता हूँ, चूंकि मेरा IIT नहीं निकला तो मैं दूसरे को IIT पहुंचाना चाहता हूँ, मैंने क्या किया, गलतियां किया, वो मैं गलतियां बच्चों को बतलाना चाहता हूँ ताकि वो गलतियां वो ना करे, जो मैंने गलती किया वो सामने वाला गलती ना करे, शायद यदि वो गलतियों से मैं जो मैं गलतियां किया हूँ, यदि वो गलतियों के बारे में उसको पहले से पता हो जाए तो उसके निकलने का रेट ज्यादा हो जाएगा, यानी चांस ज्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको सब कुछ उस पर बतलाऊंगा कि क्या है। तो चलो हम लोग पढ़ना है, तो हम लोग कुछ फंक्शन पढ़ते हैं, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल। पॉलिनोमियल फंक्शन सबको पता है ना, ये कोई किसी से पूछ लिया था, किसने मेरे से पूछ लिया था, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यदि f ऑफ x इक्वल टू इस फॉर्म में रहे, an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus dot dot plus a
नॉट इस फॉर्म में, जहां पर ए आई या इस तरह से बोलो ए नॉट ए वन डॉट 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 ए एन बिलोंग्स टू रियल, ये हम कहेंगे कि रियल पॉलिनोमियल। ये क्या है रियल, यानी आपको एंड साथ में एंड एन क्या हो, एन किस में बिलोंग करे, इस सेट में बिलोंग करे, एन बिलोंग टू जीरो वन टू थ्री, यानी ये क्या है होल नंबर इसको भी बोलते हैं, या इसको हम कहेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर, इसी को हम कहेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर, इसका नाम है नॉन निगेटिव इंटीजर। यानी नॉन निगेटिव का मतलब क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि निगेटिव इंटीजर को छोड़कर के सभी इंटीजर, यानी जब भी एन क्या हो जाए नेचुरल नंबर या जीरो हो जाए, नेचुरल नंबर या जीरो हो जाए हम कहेंगे कि यह पॉलिनोमियल फंक्शन, यह क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन। और इसके पास मैक्सिमम कितने होंगे, इस पॉलिनोमियल के पास मैक्सिमम एन रूट होगा, मैक्सिमम एन रूट हो, इस पॉलिनोमियल के पास मैक्सिमम एन रूट हो, यानी एन रियल, यानी इस पॉलिनोमियल के पास मैक्सिमम एन रियल रूट होगा, एन रियल और एग्जैक्ट एन रूट होगा, यानी जिसकी जितनी, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है ना उसके पास उतना रूट होता है, चाहे वो रूट रियल हो या नॉन रियल हो कोई मायने नहीं, यानी या तो रियल और नॉन रियल दोनों मिलाकर के इसके पास एग्जैक्टली एन रियल मीन्स सॉरी इसके पास एग्जैक्टली एन रूट होगा, ठीक है ना। तो इसके पास मैक्सिमम रियल रूट कितने होंगे, तो नोट करके लिख लेना, इफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, ये आपको बेसिक पता है ना कि इसकी डिग्री एन है, शायद आपको देखो जो जो ज्यादा डिग्री होता है ना, जो ज्यादा पावर होता है ना, और एन नॉट क्या होता है नॉन जीरो, यहाँ पर एन नॉट को नॉन जीरो, एन नॉट तुम्हारा बाकी जीरो हो सकता है लेकिन एन नॉट तुम्हारा नॉन जीरो होगा, हम कहेंगे कि यह पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री एन, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, दिस इज पॉलिनोमियल लिख लेना, दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज यहाँ पर लिख लेना, दिस इज पॉलिनोमियल of degree n, ये polynomial है n degree, क्योंकि आपका number of real पूछता है ना exam में, MS का paper हो या MS का paper हो, MA या MS दोनों में से कोई एक हो, वहां पर number of real root आता है, तो कभी number of non real root भी तो पूछ सकता है, कह देगा कि इसका number of non real root निकाल, और तुम निकाल नहीं सकते क्योंकि इस टाइप से वो function ही create करता है, रूट नहीं निकाल सकते, तो बस केवल बतला सकते हैं इसके पास दो रियल रूट होगा, तीन रियल रूट होगा, चार रियल रूट होगा, पांच नॉन रियल रूट होगा, केवल तुम बतला सकते हो, रूट नहीं निकाल सकते, इस टाइप के वो फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो उसमें इसकी जरूरत, तो लिख लेना नोट करके, इफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन देन देन इट हैज It has maximum maximum n real root, n real, और वो root distinct होगा repeated होगा हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना, वो root repeated भी हो सकता है distinct भी हो सकता है, लेकिन n से ज्यादा नहीं होगा, n से ज्यादा real root नहीं होगा, maximum n real root and has exactly n root and has exactly, इसी में लिख सकते हो सेकेंड में, सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हो, सेकेंड पॉइंट में यहां पर लिख लो कि इफ इफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री डिग्री एन देन देन इट हैज एग्जैक्टली, यहां पर लिख देता हूं एग्जैक्टली एन रूट्स, और एन रूट्स में क्या है यहां लिख लेना रियल प्लस नॉन रियल, रियल प्लस नॉन, क्योंकि आप मीन्स जब भी रूट की बात आती है ना तो रूट में दोनों इंक्लूड होता है, रियल भी इंक्लूड होता है और नॉन रियल भी इंक्लूड होता है, जब तक कि वो ना बोले कि आप रियल रूट फाइंड आउट करो,
जब तक कि क्वेश्चंस में मेंशन ना हो या प्रियर रूट फाइंड आउट करो तब तक आपको दोनों समझना, यानी दोनों समझ, या कहीं ना कहीं वो मेंशन करेगा कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी वो कहीं ना कहीं मेंशन करेगा, चाहे तो वो क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल देगा कि आप रियल रूट फाइंड आउट करो, या कहीं मेंशन कर देगा कोने में कहीं लिख देगा इस टाइप से, कोने में लिख देगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आपको समझ जाना कि वो रियल रूट की बात है सर। हाँ दो नंबर पॉइंट के पॉइंट को और एक बार, इफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ए देन ईच हैज एग्जैक्टली एन रूट्स, और रूट्स का मतलब क्या होता है, इक्वल टू जीरो, यही ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, यही है ना कि एक्स की वैसी वैल्यू जिसके लिए यह पॉलिनोमियल का जब आप पुट करोगे तो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्लियर है? है सर। सर हाँ, अभी आपने बताया था कि पांच नॉन डुअल रूट्स हो सकते हैं, तो सर ऐसा पॉसिबल होगा क्या? नहीं नहीं, पांच मैं कहाँ बोला कि पांच, आपने सर एग्जांपल के तौर पर बोला था कि चार रियल पांच नॉन डुअल रूट हो सकते हैं, तो वो पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर कंडीशन होगा ना, यहाँ पर यदि ना है, यदि पॉलिनोमियल और डिग्री का है, ठीक है ना, यदि पॉलिनोमियल और डिग्री का है, यहाँ पर और नंबर है, तो उस केस में एक मिस उस केस में एग्जैक्टली सॉरी उस केस में मिनिमम एक रियल रूट होगा ही होगा, तो इसको भी लिख लो नोट करके जब तुमने याद दिला दिया कि इफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड, इफ पॉलिनोमियल ऑफ और डिग्री, लिख लो नोट करके, इसी में थर्ड पॉइंट लिख लो, इफ पॉलिनोमियल ऑफ और डिग्री देन then if f x is polynomial of odd degree then f x has at least one real root. अब क्लियर है? हाँ सर। चलो यानी जो भी आपका देखो, यदि यह रियल में बिलोंग करता है, a नॉट a वन n यदि रियल में बिलोंग करता है, रियल नंबर होता है, तो उस केस में जो नॉन रियल रूट मिलेगा हमेशा पेयर में मिलेगा कब, जब यह रियल नंबर होगा, यानी जब पॉलिनोमियल का कोफिशियंट रियल नंबर होगा, उस केस में यदि इसके पास इमेज यानी इसके पास यदि नॉन रियल रूट होता है तो हमेशा पेयर में होगा। तो इस पर हम बात करेंगे जब मैं आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर हमें आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, तो वहां पर पॉलिनोमियल बनेगा और उस पॉलिनोमियल का रूट निकालना होगा और उस पर कोफिशिएंट पर कंडीशंस होंगे, तो वहां मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी ऐसे ही लिख दिया, पता नहीं दिमाग में कैसे आ गया बट मैं लिख दिया, ये मेरे एजेंडा में नहीं था पढ़ाने। यदि इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, यदि पॉलिनोमियल की डिग्री इवन है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हो सकता है कि एक भी रियल रूट ना मिले, यदि इवन डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो हो सकता है कि उस केस में आपको एक भी रियल रूट ना मिले, एक भी रियल रूट, क्लियर है ना, लेकिन ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो एटलीस्ट वन रियल रूट मिलेगा, इसकी 100% गारंटी है, मैक्सिमम के बारे में नहीं बोल सकते, मैक्सिमम कितना मिलेगा, जितनी डिग्री होगी उतना मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, तो शायद आप लोगों ने लिख लिया हो, लिखना, हाँ नोट करना, ज्यादा होशियार मत बनना, जब मैं बोला हूं कि नोट करना है मिस करना है, जैसे एग्जाम्पल में देखते, जैसे एग्जाम्पल,
polynomial. तो कोई कहेगा कि दिस पॉलिनोमियल हैज एटलीस्ट वन रियल. यह स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? दिस पॉलिनोमियल हैज एटलीस्ट वन रियल. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बताओ तो सर. ट्रू ट्रू है. इसके पास चूंकि डिग्री ऑड है ना, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? ऑड है. और मैं अभी अभी लिखा कि उसके पास एट लिस्ट वन रियल रियल रूट होगा, इसकी 100% गारंटी है. दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू. मेरी आ रही है ना? किसी का कॉल आ गया था. यस सर. हेलो. अच्छा, जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लो. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन. इस पॉलिनोमियल के पास एक भी रियल रूट नहीं है. दिस पॉलिनोमियल हैज नो रियल. This polynomial has no real. इस polynomial के पास कोई real root नहीं. लेकिन इसके पास root है ना? इसके पास root है, लेकिन real root नहीं है. इसके पास non real root कितना हो जाएगा? इसके पास non real root कितना होगा? जब इसके पास एक भी real root नहीं है, that means इसके पास non real root दो होगा. दो non real root. Yes sir. तो मैं इस बारे में हाँ बोलो. सर नॉन रियल और इमेजिनरी एक ही बात हुई ना? यस. नहीं नहीं, इमेजिनरी का मतलब है कि ये होता है इमेजिनरी, यानी इसका कोएफिशिएंट. नॉन रियल रूट का मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर. ये कॉम्प्लेक्स रूट सर. आई वुड कॉम्प्लेक्स रूट, यानी रियल और इमेजिनरी को बना करके कॉम्प्लेक्स बनता है ना. यस सर. क्लियर है? यानी इसका इमेजिनरी रूट मिलेगा, लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा. इसका कॉम्प्लेक्स इसका रूट कॉम्प्लेक्स होगा, यानी इसमें रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा. क्लियर है? यस सर. यस सर. तो आप लोगों को याद होगा, आप लोग 10th क्लास में इमेजिनरी बोल देते थे. मैं भले जान बुझ करके नहीं बोलते थे, गलती से ही बोला जाता था, लेकिन हम लोग बार बार में इमेजिनरी में बोलते थे. नॉन रियल का इस बुक नॉन रियल बोलता था, लेकिन हम लोग इमेजिनरी बोलते थे, क्योंकि उस समय इमेजिनरी रूट नहीं निकाला जाता था. इसलिए हम कभी इस पर ध्यान नहीं दिए कि हम गलत बोल गए कि सही बोल गए. यानी पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया ना, कि उसकी डिग्री क्या होगी? या तो जीरो होगा या फिर नेचुरल नंबर होगा. मैं इसीलिए पॉलिनोमियल को डिफाइन किया, और कोई डिफाइन करने का टारगेट मेरा मकसद नहीं. यह कॉन्स्टेंट फंक्शन है. यह तुम्हारा क्या है? कॉन्स्टेंट फंक्शन. हाँ, यह बतला पॉलिनोमियल का. एक मिनट, पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होगा? बतला पॉलिनोमियल का वहां पर डोमेन लिख लेना. डोमेन क्या होगा? रियल नंबर. जो ऊपर मैंने पॉलिनोमियल डिफाइन किया था, उसका डोमेन क्या होगा? बतला एक्स के हर एक वैल्यू के लिए रियल वैल्यू दे रहा था ना. आप एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करो, कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, वाई की क्या वैल्यू आएगी? रियल वैल्यू आएगी. देखो, डोमेन का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए. अभी मैं इतना ही आपको पढ़ना है. तो वहां पर स्क्वायर रूट है नहीं, क्योंकि पावर क्या हो गया? पावर इंटीजर, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर हो गया. तो डिनोमिनेटर में कभी जीरो बनेगा ही नहीं, और स्क्वायर रूट है ही नहीं. तो डोमेन क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा रियल नंबर. और रेंज डिपेंड करेगा. रेंज भी लिख लो. रेंज क्या होगा कोई बतलाएगा? किसी भी इन जनरल पॉलिनोमियल का. तो यहां पर केस आएगा, केस फर्स्ट. रेंज में केस फर्स्ट. तो इफ degree of polynomial is odd. यदि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाए? ऑड हो जाए,
यदि पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड हो जाए तो देन देन रेंज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू रियल, तो इस पॉलिनोमियल का रेंज क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। और सेकेंड, इफ डिग्री इज डिग्री ऑफ सॉरी इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मैं पॉलिनोमियल को शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इवन इवन, तो आप रेंज कैसे निकालोगे, तो आप रेंज निकालने के लिए तुम्हें मिनिमम वैल्यू निकालना होगा और मैक्सिमम वैल्यू देखना होगा। यदि 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 और सॉरी यदि पॉलिनोमियल इवन डिग्री का है, यदि पॉलिनोमियल इवन डिग्री का है और इसमें अब केस बनेगा, इसमें दो केस बने, इसमें दो केस बने, जैसे मैं आपको बतलाता हूं, जैसे यह एक इवन सॉरी यह एक पॉलिनोमियल है ना जिसकी डिग्री इवन है, अब इसका अगर आप इसी टाइप से बना देखो तो इसका रेंज क्या आ रहा है, आप ध्यान से देखो, जब x इक्वल टू जीरो पुट करो तो मैक्सिमम वैल्यू वन मिल रहा है, यानी माइनस इंफिनिटी से वन रेंज मिल रहा है ना, y की वैल्यू, रेंज का मतलब कि y की वैल्यू, रेंज का मतलब होता है कि आपको y की वैल्यू निकालना है कि y कहां से कहां तक हो सकता है, तो यही होगा ना, देखो तो ये y एक्सिस है, x एक्सिस जीरो, इतना तो बेसिक सबको मालूम होगा, यदि y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वन हो तब रेंज देखो तो किस टाइप से हो रहा है, इस टाइप से ना, कहां से माइनस वन से इंफिनिटी। तो आप एक चीज ध्यान दे रहे हो कि जब हायर ऑर्डर यानी सॉरी जो 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 पॉलिनोमियल का डिग्री है, डिग्री का मतलब ही होता है कि हायर, ठीक है ना, जो जो पॉलिनोमियल का डिग्री है यदि उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम से इंफिनिटी तक जा रहे, मिनिमम से इंफिनिटी। यदि 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 पॉलिनोमियल का डिग्री सॉरी यदि जो जो पॉलिनोमियल है जो मींस यहां पर क्या है, मैं क्या बोला, मींस ऐसे कि यदि जो पॉलिनोमियल का मींस जो जो इसका कोफिशिएंट है निगेटिव है, जो मैंने मींस उसमें जिसका पावर क्या है, मींस मैं यहां पर क्या बोल रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया, इसको मैं कैसे बोलूं कि जो पॉलिनोमियल का डिग्री इन पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो, इवन हो, इवन हो, और उसका कोफिशिएंट निगेटिव हो, उसका हाँ उसका कोफिशिएंट निगेटिव हो, तो रेंज देख लो क्या हो रहा है, माइनस इंफिनिटिव टू मैक्सिमम हो रहा है, और यहाँ मिनिमम टू इंफिनिटी, यहाँ माइनस, तो किस पर डिपेंड कर रहा है रेंज, किस पर डिपेंड कर रहा है, जो जो डिग्री है यानी इसमें जो डिग्री है उसके कोफिशिएंट पर डिपेंड कर रहा है, उसके कोफिशिएंट पर डिपेंड कर रहा है, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x यानी x स्क्वायर के कोफिशिएंट पर डिपेंड कर रहा है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट पर डिपेंड कर रहा है, यानी यदि x टू द पावर ये है, यदि f ऑफ x इक्वल टू समथिंग हो, x टू द पावर n a ले लो प्लस डॉट डॉट प्लस कुछ भी हो यहाँ पर n नॉट, तो यदि n इवन है, इफ n क्या है, इवन है, n बिलोंग्स टू इवन इवेंट्स, यदि n इवन सेट में बिलोंग करता है और इवन इज नेचुरल नंबर, ठीक है ना, यहाँ पर नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा हूँ, जीरो या नेचुरल, यदि n तुम्हारा क्या हो रहा है, इवन हो रहा है, और यदि इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम से इंफिनिटी जा रहा है, यदि इसका कोफिशिएंट निगेटिव है तो माइनस इंफिनिटी से मैक्सिमम आ रहा है, माइनस इंफिनिटी, यानी जो इसका हायर ऑर्डर का यहाँ पर कोफिशिएंट है ना वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट देखना, जो हायर ऑर्डर है उसका क्या देखना है, कोफिशिएंट देखना, तो यहां पर मैं कैसे लिखूं, शायद आप समझ गए हो, थोड़ा लिखना मुश्किल है, तो इस तरह से मैं डिफाइन कर देता हूँ, इफ इफ यहां पर मैं डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पर मैं पॉलिनोमियल लिख कर, क्योंकि बोलने में थोड़ी दिक्कत हुई मुझे, तो इसको ऐसे लिख, a n x टू द पावर n
plus a n minus 1 f to the power n minus 1 plus dot dot plus l a naught लिख लो, ठीक है ना. और यहाँ पर a naught a 1 dot dot a n belongs to zero number है and a n not equal to zero है. तो यहाँ पर second n belongs to zero to zero to क्या होगा, जीरो नहीं नॉन जीरो ले लो, इवन का मतलब कि मैं नॉन जीरो के बाद 2 4 2 4 6 डॉट डॉट एल, ठीक है ना. तब डॉट डॉट का मतलब समझ रहे हो. यहाँ पर केस लिखो, इफ 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 एल नॉट ग्रेटर देन जीरो, इफ एल नॉट क्या हो जाए ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो रेंज क्या हो जाएगा, देन देन रेंज रेंज इक्वल टू क्या होगा, रेंज क्या होगा मिनिमम तो मिनिमम ऑफ एफ टू कहां तक, इनफिनिटी तक. फर्स्ट के सेकेंड सेकेंड इफ एन नॉट लेस देन जीरो, इफ एन नॉट लेस देन जीरो देन देन रेंज क्या होगा, देन रेंज आपका क्या होगा, देन रेंज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से मैक्सिमम ऑफ एफ, या मैक्सिमम ऑफ एफ यहाँ पर ओपन ब्रैकेट. समझ में आ गया ना मैं क्या समझाना चाहता हूं, क्लियर है. ये मिनिमम ऑफ एफ है. अब ये कैसे निकालना है हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. यदि ए नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो एन नॉट जीरो नहीं होता, ठीक है ना. ये ना पॉलिनोमियल का डिफिनेशन ही है, ये पॉलिनोमियल का डिफिनेशन है. डिग्री को डिफाइन करने के लिए उसका कोफिशिएंट को हम नॉन जीरो डिफाइन कर ले करते हैं, देन डिग्री की बात करते, क्योंकि यदि हम नॉन जीरो उसको नहीं करेंगे तो डिग्री फिक्स ही नहीं रहेगा, हम डिग्री के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते, डिग्री अनडिफाइन हो जाएगा, आप नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते, डिग्री अनडिफाइन कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखो कैसे मैं बतला, जैसे मैं एक्स देता सपोज एक्स, आप कहोगे कि इसकी डिग्री 1 है, मैं कहूंगा नहीं इसकी डिग्री 2 है, ये भी तो लिख सकते हो ना. कोई तीसरा बंदा कहेगा नहीं इसकी डिग्री 3 है, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं. कोई चौथा बंदा कहेगा नहीं डिग्री 4 है. कोई कोई जापान में बैठ कर देखेगा नहीं इसकी डिग्री 5 है. कोई अमेरिका में बैठ के कहेगा नहीं इसकी डिग्री 6 है. तो डिग्री फिक्स हो पा रही है क्या, आपके लिए डिग्री कुछ और, दूसरे के लिए डिग्री कुछ और, तीसरे के लिए डिग्री कुछ और. इसलिए इसलिए जो यह इसका जो हाईएस्ट पावर है ना, हाँ अब पकड़ में है, देखो ये मैं वर्ड भूल गया इसका जो हाईएस्ट पावर है ना उसकी डिग्री को उसके कोएफिशिएंट को हम क्या लेते हैं, नॉन जीरो लेते हैं, ताकि हम डिग्री को फिक्स कर पाए, ताकि हम डिग्री को फिक्स कर पाए. और जो हायर पावर होता है ना, जो हायर पावर होता है उसी को हम क्या करते हैं, डिग्री करते हैं. और उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए. यदि नॉन जीरो नहीं लोगे तो सबके लिए डिग्री अलग अलग होगा, क्योंकि इसका भी मतलब क्या है, एक्स ही है ना. देखो तो आप एक्स को ऐसे लिख सकते हो ना, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो बाद में आपको एक्स भी मिलेगा. क्लियर है, समझ में आ गए कि नॉन जीरो की ये नाइन्थ में पढ़ाया जाता होगा आप लोगों को, क्लियर है ना. Yes, sir. So, सेकेंड बैच वाले कौन होंगे सर, तो ये सब हम लोग को पढ़ाए ही नहीं थे. हाँ तो बाबू जब जैसा तब तैसा, ठीक है, क्योंकि तो मेरा माइंड फिक्स नहीं रहता है कि क्या पढ़ाना है. तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती उसके अकॉर्डिंग में पढ़ाता हूं. तो शायद कभी बीच में क्वेश्चंस आया होगा बैच टू में, सॉरी बैच वन में, तो उस समय मुझे वहां डिफाइन करना पड़ा था, शायद इसमें पूछा था मेरे से. तो फिर मैंने सोचा था कि ओके, मैंने पॉलीनोमियल वैसे मैं बतलाया था, लेकिन इतने डिटेल में नहीं बतलाया होगा जितना आप लोगों को बतला. तो एग्जाम्पल देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. और मैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दूंगा. तो और इसमें आता आपका कॉन्टू फंक्शन, जब निकालोगे ना तो वो मैक्सिमम पॉलीनोमियल ही देता है आप लोग, एमए और एमएस में मैक्सिमम पॉलीनोमियल ही देता है. एग्जाम्पल
जैसे f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 11 प्लस 7x टू द पावर 10 प्लस 10x टू द पावर 3 प्लस माइनस को तो क्या कहोगे कि सब केवल प्लस टू देने x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2022 माइनस 2022 चल रहा है। अब कहेगा कि इसका रेंज बतला, यह पॉलिनोमियल ऑनटू है कि नहीं है, तो ऑनटू मैं आगे पढ़ाऊंगा। ऑनटू का मतलब होता है इस पॉलिनोमियल का रेंज निकालना। तो इस पॉलिनोमियल का रेंज अब देखते ही बतला दोगे ना, इस पॉलिनोमियल का रेंज क्या होगा, टोटल रियल नंबर होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। और मैक्सिमम के मन में यह सवाल चल रहा होगा कि यह क्यों हो रहा है, नहीं यह क्यों हो रहा है, आपके मन में सवाल चल रहा होगा। तो देखो, तो यदि आप x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी करते हो, यदि आप x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी करते हो, माइनस इंफिनिटी करते हो, तो देखो तो माइनस इंफिनिटी का पावर 11 करोगे, ये बहुत बड़ा माइनस निगेटिव नंबर देगा ना, बहुत बड़ा निगेटिव नंबर देगा। और इसमें आप इसको ऐड करोगे तो कम ही ऐड कर रहे हो ना, माइनस इंफिनिटी का पावर 11 और इसके कंपेयर में कहां 10, और इसके बाद आप कुछ भी ऐड करोगे तो सबसे बड़ा निगेटिव यही दे रहा है ना, और इसमें आप कुछ भी ऐड करोगे तो क्या आएगा, इंफिनिटी ही आएगा, माइनस इंफिनिटी ही आएगा। और जब आप x टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे, x टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे तो ये इंफिनिटी होगा, ये इंफिनिटी होगा, ये इंफिनिटी होगा, तो रेंज क्या हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये कहीं भी या कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, यह कॉन्टिन्यूअस है। तो आप कैसे चलोगे, इस टाइप से चलोगे, हम ग्राफ कैसे भी हो सकता है, ये मैं रफली ग्राफ प्लॉट करता हूं, रफली प्लॉट जरूर है कि इसका यह एग्जैक्ट ग्राफ है, बस मैं एक रफली प्लॉट कर दिया कि और डिग्री का पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा ही होता है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल y बराबर f ऑफ x बराबर x क्यूब, इसको आप y भी लिख सकते हो, y इक्वल टू x क्यूब, ये सबसे सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, माइनस यह ओरिजिन से पास हो रहा है, एक बार ही कट करेगा ना, एक ही जीरो मिलेगा, पुट करो, जब x इक्वल टू जीरो करोगे तो y जीरो होगा, बाकी अब कुछ भी पुट करो y जीरो नहीं होगा, यानी इसके पास एक ही जीरो है। एक जीरो का मतलब कि x एक्सिस को एक बार ही कट करेगा, एक से ज्यादा बार कट नहीं करेगा, x एक्सिस को एक बार ही कट करेगा। तो इसका ग्राफ ऐसे हो, अब आपके मन में बहुत सारे फिर सवाल होंगे, सर इसका ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता है, या आप सर इसका ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता है, सॉरी ओरिजिन से पास करा लो, ओरिजिन से पास करा लो। तो बहुत सारे हमारे पास सवाल है, अभी जवाब काफी मैं कम दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो समय आने को आपको हर एक चीज का जवाब मिल जाए। आप कहोगे सर ऐसे भी तो इंफिनिटी हो रहा है ना, इस टाइप से भी तो इंफिनिटी हो रहा है, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो आपने ऐसे ही क्यों प्लॉट किया, क्या रीजन, मन में डाउट नहीं उठेगा कि ये भी तो सर माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी और ओरिजिन से पास हो रहा है, एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है, ये भी वही है, ये भी वही है, एक बार ही कट करा, तो आपने यही ग्राफ क्यों प्लॉट किया, क्या रीजन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके जस्ट बाद, यानी जैसे जैसे सवाल आएगा हम उसका जवाब देते जाएंगे, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो, प्लस टू के स्टूडेंट्स नहीं हो, यानी आपको मोटा मोटी सब कुछ आ रहा है, इसलिए मैं सब कुछ कहीं भी चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आए, क्योंकि ग्राफ की काफी जरूरत पड़ने वाली है। तो लिखो, तो इसका भी रेंज क्या हो रहा है, देखो तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, थोड़ा इसको ऐसे कर दो, तो इसका रेंज क्या होगा, माइनस इंफिनिटी, और इसको आप रियल नंबर भी लिख सकते, ये हो गया ऑड का एग्जांपल। इवन का भी ले लो, जैसे f ऑफ x सबसे खूबसूरत एग्जांपल x स्क्वायर, सबसे खूबसूरत x स्क्वायर, इसका ग्राफ क्या होगा, इस टाइप से होगा, हम थोड़ा थोड़ा ग्राफ भी सीखते चलेंगे ताकि आपको पता रहे कि हाँ इसका ग्राफ ये होता है, और ये याद कर लेना, ठीक है ना, याद कर लो, ये इसी तरह से ग्राफ क्यों होता है हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि कॉनकेव ऑफ ही क्यों होता है,
इस तरह से ग्राफ क्यों नहीं होता, इस तरह से ग्राफ क्यों नहीं होता, इस तरह से क्यों नहीं होता, या इस तरह से क्यों नहीं होता, यही ग्राफ क्यों होता, हम इस पर भी बातें करेंगे। यानी हमारे पास अभी बहुत सारे सवाल है, मैं हर एक का जवाब टाइम के साथ देता रहा, तब तक के लिए यही बीबीसी में बोलता है ना, तब तक के लिए नमस्कार। मैं नमस्कार नहीं बोलूंगा, चिंता मत करो। तो इसका रेंज देखो तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, कोई पूछेगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू एक्स जैसे जैसे पुट करोगे मैक्सिमम वैल्यू मिलता जाएगा, चाहे निगेटिव पुट करो और पॉजिटिव पुट करो, यानी माइनस इन्फिनिटी के लिए भी इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के लिए भी इन्फिनिटी, यानी रेंज क्या आ रहा है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, और कहीं ऊपर रुक नहीं रहा, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, बस चलता जा रहा है चलता जा रहा है, जैसे मोदी जी को रोकने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y belongs to 0 to infinity। असम में बाढ़ आ गया, लोगों को पता होगा, और बाढ़ शहर में आ गई, ठीक है ना, और उस पर बात करने के लिए हमारे देश के मीडिया के पास कोई टाइम नहीं, क्योंकि उनके पास केवल एक ही मुद्दा है, इस मस्जिद के अंदर मंदिर है और इस मंदिर के अंदर मस्जिद है, बस उनके पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है, हम कर ही क्या सकते, हम पढ़ाते हैं, नहीं तो मेरी भी कोचिंग बंद करवा देंगे, पता चला कि इनकम, वैसे भी कल का बोल रखा है किसने कि कोचिंग वाले बच्चों को भड़का रहे हैं, तो क्या ही बोला चाहिए सर, वो हमारा डोमेन नहीं है सर। हाँ तो यहाँ तक हो गया ना, ये समझ में आ गया ना, फिर इसके बाद y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ क्या होगा, देखो तो अब ये ऑलवेज निगेटिव देगा ना, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, मैं कल ही बतलाया था ना आपको, पता है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, और ये रियल नंबर का डिफिनेशन ही है, रियल नंबर का भी डिफिनेशन यही है ना, कि वैसा नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वो नंबर हम क्या कहते हैं उसको, रियल नंबर कहते हैं, वो रियल नंबर होता है। तो अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे माइनस चाहिए ना, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी चेंज, यानी y लेस देन इक्वल टू जीरो, y लेस देन इक्वल टू जीरो इंप्लाई y बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटिव से, तो देख रहे हो ना, मैं यही डिफाइन कर रहा था, यदि पॉलिनोमियल का, यदि पॉलिनोमियल में जो हायर डिग्री मीन्स डिग्री नहीं जो हायर पावर है, यदि उसका कोफिशियंट क्या हो जाए निगेटिव हो जाए, तो हम माइनस इंफिनिटी से चलेंगे, माइनस इंफिनिटी से मैक्सिमम, यदि 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 हाईएस्ट पावर का, यदि पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर की डिग्री पॉजिटिव हो जाए तो मिनिमम से चलेंगे, मिनिमम से मैक्सिमम, तो इस एफ की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो है, इस एफ की मिनिमम वैल्यू जीरो है, लिख लो, मैं थोड़ा रास्ता भटक गया हूं, कोई बात नहीं, अरे भटकता गया हूं, थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग की तरफ खींचा रहा, लेकिन ये भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, जो भी पढ़ा रहा हूं सब जरूरी है, ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि आपको आती है, तो इतना तो आप समझ गए, आगे बस चलिए, पॉलिनोमियल के बारे में अच्छा खासा डिस्कस हो गया, तो अभी उम्मीद कर रहा हूं कि बाउंस नहीं हो रहा होगा, आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको सबको मालूम है, यदि y इक्वल टू a का पावर x हो जाए और a नॉट इक्वल टू जीरो एंड a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो एंड a नॉट इक्वल टू
यदि ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे कि दिस इज इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वी आर एक्सपोनेंशियल काला, वी आर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऐसे ही डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया गया? वाई इक्वल टू ए का पावर एक्स, ए का पावर एक्स या एक्सपोनेंशियल हो गया। जैसे एग्जाम्पल y इक्वल टू टू का पावर x, यह एक्सपोनेंशियल है जिसका बेस 2 है और पावर x है। y इक्वल टू 1 अपॉन 2 का पावर x, y इक्वल टू e का पावर x, इसकी वैल्यू क्या होती है? यह इरेशनल नंबर है। e क्या है? इरेशनल नंबर। तो नोट करके लिख लेना कहीं पर कि e इज एन इरेशनल नंबर, यह इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसके अप्रोक्स वैल्यू, उम्मीद करता हूं कि सबको याद होगा, 2.7। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अब मुझे बताओ कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा? मतलब देखो, ए नॉन जीरो हो गया ना, सॉरी हाँ, ए नॉन जीरो हो गया एंड ए नॉट इक्वल टू 1 हो गई, नॉन जीरो, सॉरी हाँ, ए ग्रेटर देन जीरो है, नॉन जीरो नहीं, नॉन जीरो में भी ग्रेटर देन जीरो, ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है एंड एंड ए नॉट इक्वल टू 1। तो इसके इसका डोमेन क्या हो जाता था कि यह पावर, यहाँ पर पावर एक्स है ना, तो अब न्यूमरेटर में कभी जीरो बन सकता है क्या? तुम एक्स की कोई भी रियल वैल्यू पुट करो तो क्या डिनोमिनेटर में जीरो हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। यानी यह हर एक एक्स के लिए वाई की फाइनाइट वैल्यू आ रही है ना, आप एक्स कुछ भी पुट करो, कुछ भी पुट करो, कुछ भी पुट करो, तो वाई की क्या वैल्यू मिल रही है? हमेशा फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। और मैं डोमेन का डिफिनेशन यही बतलाया था कि वह एक्स डोमेन में लाई करेगा जिसके लिए वाई की वैल्यू क्या हो, फाइनाइट हो, यानी रियल हो। वाई की वैल्यू क्या हो, रियल हो। तो आप यहाँ पर एक्स कुछ भी पुट करोगे और ये इस टाइप से डिफाइन किया है तो वाई की हमेशा रियल वैल्यू मिलेगी एक्स के हर एक वैल्यू के लिए, एक्स के सभी वैल्यू के लिए वाई की रियल वैल्यू मिलेगी। मीन्स डोमेन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल। इसका रेंज कोई बतलाओ, रेंज क्या होगा, इसका रेंज निकालना इजी है, आप निकालो, बतलाओ रेंज क्या होगा इसका, इसका रेंज क्या होगा? ये तो क्लियर हो गया ना कि इसकी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी क्योंकि यार निगेटिव दूर दूर तक दिख रहा है क्या आपको? नो सर, यहाँ पर निगेटिव दिख ही नहीं रहा, तो इसकी ऑलवेज वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यदि मान लो कि यही है, सपोज यही है, टू का पावर ए की वैल्यू टू है, यदि आप यहाँ इंफिनिटी पुट करते हो, टू का पावर इंफिनिटी, वाई क्या हो जाएगा, इंफिनिटी नहीं हो जाएगा। यदि आप एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी करते हो तो वाई भी कहाँ जाएगा, इंफिनिटी, अब इस केस में तो जीरो हो जाएगा। जब आप सर यहाँ पर एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे तो 1/∞ टू का पावर इंफिनिटी हो जाएगा, यानी इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से। सर ये तो जीरो हो गया, लेकिन बाबू माइनस इंफिनिटी पुट करो तो यहाँ पे टू का पावर, यानी जब एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी करोगे तो कहाँ जा रहा है, वाई प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी मिला जुला करके क्या हो रहा है, वाई इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। कब? जब एक्स टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी हो रहा है या माइनस इंफिनिटी हो रहा है। प्लस इंफिनिटी के केस में कब इंफिनिटी पर जाएगा, जब ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, जब ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। और माइनस इंफिनिटी के केस में कब इंफिनिटी पर जाएगा भाई, जब जब ए जीरो और 1 के बीच में लाई करे, जीरो और 1 के बीच में लाई करे। यह नंबर क्या है, 0 to 1 के बीच में। तो जब भी यहाँ पर तुम इंफिनिटी पुट करोगे तो यह 0 के करीब जाएगा, जब भी यहाँ पर माइनस इंफिनिटी की तरफ जाओगे तो यह वाई इंफिनिटी की तरफ जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो शायद क्लियर है यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा। और एग्जैक्ट जीरो कभी हो सकता है क्या, कभी एग्जैक्ट जीरो मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा। जैसे टू का पावर माइनस इंफिनिटी कर दो
तो 1/2 का पावर इंफिनिटी, यही ना, 1/2 का पावर इंफिनिटी, तो क्या यह एग्जैक्ट जीरो होगा? नहीं होगा ना, ये क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा, टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग, इसलिए मैंने जीरो को ओपन लगा दिया, या जीरो को ओपन लगा दिया, क्लियर है? क्योंकि मैं जीरो के करीब का नंबर नहीं लिख सकता हूं ना, इसलिए मैं जीरो को ओपन लगा दिया। इसका मतलब यह है कि वाई जीरो नहीं हो सकता है, वाई जब भी होगा जीरो के बाद का नंबर होगा, यानी y strictly greater than 0, इसका मतलब है कि y strictly greater than 0, क्लियर है? लिख जैसे अभी काफी के मन में डाउट हो रहा होगा तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दे। देखो यदि 2 का पावर इंफिनिटी रखोगे यहाँ पर 1/2 का पावर इंफिनिटी, तो ये टेंडिंग टू जीरो हो रहा है। यदि 1/2 का पावर माइनस इंफिनिटी पुट करोगे 1/2 का पावर माइनस इंफिनिटी, और आपको ये प्रॉपर्टी पता है ना कि 1/m माइनस m क्या हो जाता है, a का पावर m हो जाता है। ये आप 7 क्लास में पढ़े हो, ये आप इंडिसेस 7 क्लास में पढ़े हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2 का पावर इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा, टेंड्स टू इंफिनिटी, क्लियर है ना? अब आपको इसका ग्राफ भी थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, इसका आपको ग्राफ भी थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ठीक है ना? तो मुझे ग्राफ की जरूरत है, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत बेसिक ग्राफ बतलाऊंगा, तो मैं बतला देता हूँ कि ग्राफ कैसे होता है, फिर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ। लेकिन आप इसको लॉजिक से भी ग्राफ प्लॉट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉजिक कब तक काम आएगा, लॉजिक का जवाब भी तो होना चाहिए ना, ऐसा क्यों? कोई नहीं लिख पा रहा होगा तो बोलना, मैं रुक जाऊंगा। y इक्वल टू a का पावर x है एंड a 0 to 1 के बीच में, लाइक 1 के बीच, तो इसका ग्राफ कैसा हो, यह y एक्सिस या x एक्सिस, ये 0, ठीक है ना, ये 0, तो इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। मैं काम करता हूँ, a की वैल्यू को फिक्स कर देता हूँ, मुझे 1 और 2 के बीच में एक नंबर चाहिए ना, तो मैं वो एक रैंडमली नंबर पिक कर लिया 0 to 1 के बीच, तो सबसे आसानी ये पिक करो, आप 1/3 भी पिक कर सकते हो, 1/5 यानी कुछ भी पिक कर लेना, मैं एक 1/2 पिक कर लिया, और इसी का जो नेचर इसका होगा वही सेम नेचर इसके लिए भी होगा ना, क्योंकि यह नंबर किसके बीच में, 0 to 1 के बीच में, तो मैं कोई नंबर पिक कर लिया, और मुझे मालूम है कि यह y क्या है, x एक्सिस के ऊपर रहने वाला है, इधर है, x एक्सिस के ऊपर ही होगा, तब ऐसे होगा कि ऐसे होगा कि ऐसे होगा, अब इस पर मुझे डिस्कस करना। तो देखो यदि आप यहां पर माइनस इंफिनिटी पुट करते हो, माइनस इंफिनिटी, यदि x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी करते हो, तो देखो तो y कहां जा रहा है, y टेंड्स टू क्या होगा बतलाओ, तो y इंफिनिटी, y टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, कैसे कैसे, देखो 1/2 का पावर माइनस इंफिनिटी मैंने पुट कर दी, माइनस इंफिनिटी पुट कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर 1/2 माइनस इंफिनिटी, यस सर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, और आप इसको 2 का पावर इंफिनिटी और टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी जब आप माइनस इंफिनिटी की तरफ आ रहे हो, इधर आ रहे हो, तो यह इंफिनिटी से आ रहा है, और कम हो रहा है ना, जैसे 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 आप एक्स को इंक्रीज करोगे यह नंबर कम होता जाएगा ना, आपको भी दिख रहा है, यानी हम जैसे जैसे एक्स को बढ़ा रहे वाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, देखो yes, यानी हम गिर रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं, हम कहीं से चलते हुए आ रहे, चलते मालूम कि मैं यहाँ से चलते हुए मैं यहाँ गिर रहा हूँ, और
और मैं मैक्सिमम कितना फिर सकता हूँ, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा ना, yes, sir. नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये अब क्या हो जाएगा? विकास को क्लास नहीं हो गया, आवाज जा रही है मेरी? है सर। अरे यार इसको वो पता नहीं यार, जो कॉल करते हैं समझ नहीं आता मुझे। ज्वाइन करना आप ऐसे ही रहना, मुझे रीज्वाइन करो। ओके सर, विल वेट। हाँ मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, यस सर आ रही है, यस सर आवाज आ रही है। एक बार थोड़ा इसको मैं रिकॉर्डिंग भी तो कर रहा हूँ। हाँ तुम्हें कुछ बता रहा था, तो y और सब्जेक्टिव कंसिस्टेंट आप इनफिनिटी कर देंगे, जब आप x टेंड टू इनफिनिटी को, जब आप यहाँ पर क्या हो गया? वॉइस क्लियर नहीं है सर, वॉइस ब्रेक हो रही थी। अरे यार उसने कॉल करके सारा काम खत्म कर दिया। अब सही है? हेलो सही आ रही है? यस सर आ रही है सर। यस सर सही है। ओके सर फाइन। हाँ जब आप यहाँ पर क्या करोगे, इंफिनिटी पुट करोगे तो ये किसके तरफ जाएगा? जीरो के तरफ जाएगा। तब देख लो दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, वन बाई टू टू डी पावर इंफिनिटी करोगे, देखो सब कुछ लिख करके देख लो ये, और फाइनल वन अपन इंफिनिटी, देखो काफी बड़ा नंबर हो गया है, ये किसके तरफ जाएगा? टेंडिंग टू जीरो होगा, बट एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा। टेंड अब कहोगे कि सर ये जीरो या टेंड नहीं, या एग्जैक्ट जीरो होता है, और यह साइन दिखला रहे हैं कि हम जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, हम जीरो के करीब नंबर नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ना लिमिट आया। वो जो आप लिमिट निकालते हो, लिमिट की वैल्यू एग्जैक्ट ही लिखते हो, और वो एग्जैक्ट ही होता है, लेकिन हाँ उसका मतलब ये है कि हम वन को अप्रोच कर रहे हैं, यानी लिमिट वन आया तो आप वन को अप्रोच कर रहे हैं, लिमिट जीरो आया जीरो एग्जैक्ट है, और हम जीरो को क्या करें, जीरो हमने जगह पर जीरो हिल डॉल नहीं रहा, हम जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, हम जीरो को क्लोज कर रहे हैं, यानी जीरो के क्लोज जा रहे हैं, क्लोज जा रहे जा रहे जा रहे जा, और उसको कभी क्रॉस नहीं कर रहे ये वो। और जीरो पर जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी? किसी भी नंबर का पावर जीरो कर दो तो वैल्यू क्या होती है? वन। ये वन। अब क्वेश्चन ये है कि सर ऐसे ही ग्राफ क्यों आएगा, ग्राफ ऐसे ही क्यों आएगा, ग्राफ पहले ऐसे भी तो आ सकता था, फिर ऐसे भी आ सकता था, इसका मैं जवाब दूंगा, थोड़ा वेट। मैथमेटिक्स का यही फायदा है कि हर सवाल का जवाब है, कोई भी चीजें केमिस्ट्री की तरह नहीं है, बस मान लो दिस इज एक्सेप्शन, याद कर लो, यहां ऐसा कुछ नहीं, हर सवाल का जवाब, हर चीज का प्रूफ है, भले मैं सबका प्रूफ ना कराऊं वो अलग केस है, बट हर चीज का प्रूफ है। तो ऐसा ग्राफ कब होगा? जब ए की वैल्यू, जब ए की वैल्यू जीरो टू वन के बीच, तब ऐसा ग्राफ। और वाई इक्वल टू ए का पावर एक्स, y equal to a का पावर x when a is strictly greater than 1,
तो कोई एक एग्जांपल ले लो सिंपल सा, कोई एक ही वैल्यू फिक्स कर लो ताकि आपको दिखे, दिखना जरूरी है, ठीक है ना, समझने के लिए दिखना जरूरी है। तो कोई रियल नंबर आपको दिखता है और ए ऐसे ही है ना, कोई भी रियल नंबर तो आपको नहीं दिखेगा, लिख दोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ कैसे नेचर चेंज हो रहा है। तो देखो तो जब आप एक स्टेज टू इंफिनिटी करोगे तो वाई क्या होगा, स्टेज टू इंफिनिटी जाएगा, दिख रहा है। जब एक स्टेज टू माइनस इंफिनिटी करोगे तो वाई स्टेज टू जीरो हो रहा है, आपको दिख रहा है, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो वाई इक्वल टू वन होगा, यानी ग्राफ कैसा हो रहा है, ग्राफ कैसा हो रहा है, मैं यहाँ एक छोटे से जगह में प्लॉट कर देगा, ये जीरो। तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ जीरो से चलता आ रहा है, देख रहे हो ना, जीरो से चलता आ रहा है, और कहां से पास होगा, वन से, इस टाइप से। और एक यहां है यहां पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन, यानी वाई इक्वल टू ई का पावर एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, इस नेचर का होगा, इस नेचर, और ये हुआ। अब कॉनकेव अप ही क्यों होगा, इस पर हम डिस्कस करें। तो ये चीजें बार बार आ रही है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, नहीं तो मैं आपको बतला देता हूं इसी तरह, फिर मैं आगे लॉगरिथमिक फंक्शन स्टार्ट करता हूं। हाँ, इसकी प्रॉपर्टी अगर जानते हो वो बतलाने की जरूरत नहीं है, अब उतना भी नीचे नहीं गिरना, थोड़ा तो लेवल को बरकरार रखना। इंडिसेस का प्रॉपर्टी तो मालूम होगा ना, नहीं मालूम होगा तो बोलना, बतला दूंगा, शर्माने की चीज नहीं है, नहीं आता तो आप सीख लो, सीखने का मौका मिला। ये सब कुछ आप जानते हो पहले से, मुझे भी पता है, फिर मैं बतला रहा हूं। ये सारी चीजें ट्वेल्थ की हैं, अभी मैं आगे नहीं बढ़ा हूं। जैसे हमें ग्राफ प्लॉट करना है, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है ना, y इक्वल टू एफ एक्स है, और मान लो कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, कोई देर के लिए मान लो कि एफ एक्स एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट करना है ना, डिफरेंशिएबल, और कैसा डिफरेंशिएबल है, ट्वाइसली डिफरेंशिएबल, टू टाइम डिफरेंशिएबल, ये मैं मान करके चला, इसकी मुझे जरूरत है इसलिए मैं मान रहा हूं। तो हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो देखो तो हमें कोई भी ग्राफ प्लॉट करना है, कोई भी ग्राफ प्लॉट करना है तो हमारे पास क्या, देखो तो ग्राफ तीन तरीके से हो सकता है। यदि ग्राफ मान लो कि इंक्रीज कर रहा है, मान लो कि तुम्हारे तुम्हें दिख गया, तुम्हें दिख जाएगा कि एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, ये अगर तुमको दिख रहा है, या इंक्रीजिंग के डेफिनेशन से तुम इंक्रीजिंग निकाल लोगे। तो हमें पहले ये चेक करना है कि ग्राफ इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, यानी तुम्हारा पहला काम क्या होगा, ग्राफ प्लॉट करने से तुम्हारा ग्राफ प्लॉट करने से पहले तुम्हारा पहला काम ये है, तुम्हें ये चेक करना है कि ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, यानी फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। मान लो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, मैंने मान लिया, तो इंक्रीज तीन तरह से कर सकता है ना, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, और ये भी इंक्रीजिंग है। अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि यह होगा कि ये होगा कि ये होगा, यानी फंक्शन ऐसे इंक्रीज करेगा कि ऐसे इंक्रीज करेगा कि इस तरह से इंक्रीज करेगा, अब ये मुझे डिसाइड करना, यानी मैं पहला स्टेप आगे बढ़ गया क्या कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग का तीन नेचर है, या तो ऐसे भी तुम्हें भी दिख रहा है ना, तुम्हारे भी तीन तरह से सवाल आएंगे, सर ऐसे भी इंक्रीज कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, अब इनमें से कौन होगा, तब इसके लिए मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना, यानी हमें इंक्रीजिंग हम कैसे चेक करते हैं, बाय डेरिवेटिव, यानी हम डिफरेंशिएट करके चेक करते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो कैसे होता है मैं बतला रहा हूं, थोड़ा वेट करो। फिर इंक्रीजिंग मालूम हो गया, अब मुझे ये डिसाइड करना है कि यह ग्राफ होगा कि ये ग्राफ होगा कि ये ग्राफ होगा, अब इसके लिए हम वापस से डिफरेंशिएट करेंगे,
और उसका साइन चेक करेंगे, उसका हम साइन चेक करेंगे। यदि यदि डबल डेरिवेटिव का साइन ग्रेटर देन जीरो आ गया फॉर ऑल एक्स के लिए, तो ग्राफ ऑलवेज ऐसा होगा, कंकेव अप होगा, कंकेव अप होगा। यदि y डबल डैश इक्वल टू जीरो आ गया, y डबल डैश इक्वल टू जीरो आ गया, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन। यदि y डबल डैश लेस देन जीरो आ गया तो ग्राफ क्या होगा, कंकेव डाउन। इसको आप कहोगे कंकेव डाउन, ये है कंकेव डाउन और ये है कंकेव अप और ये है स्ट्रेट। स्ट्रेट एस टी आर ए क्या होती है स्पेलिंग, एस टी आर ए जी एच टी भूल गया क्या होती है, आई जी एस सर, एस टी आर ए आई जी एस, एस टी आर ए आई जी एस, जी एस टी लिखो। तो हमें क्या करना है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, इंक्रीजिंग चेक करना, यानी हमें पहले फर्स्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है, या तो हमें ये चेक करेंगे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव यदि यह ग्रेटर देन जीरो हो गया फॉर ऑल एक्स के लिए, या मैंने मैं अभी फॉर ऑल एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं फॉर ऑल एक्स की बात कर रहा हूँ। यदि डीवाई अपन डीएक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया तो हम कहेंगे कि वाई क्या है, इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। यदि 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 डीवाई अपन डीएक्स लेस देन जीरो हो गया, लेस देन जीरो हो गया, हम क्या बोलेंगे कि वाई डिक्रीजिंग है, वाई डिक्रीजिंग। तो यहां से तुम्हें ग्रेटर देन जीरो दिख जाएगा किस एक्स के लिए हो रहा है, तो मैं मान लिया कि फॉर ऑल एक्स के लिए हो रहा है, मैं मान लिया, ठीक है ना, मैं मान लिया। और सब कुछ कारण पूछना है क्या तुम्हें, यस सर, सर मतलब इसमें ना क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लाइक ग्राफ प्लॉट करने के आते हैं या ग्राफ बनाने के, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? नहीं, ग्राफ प्लॉट करने का नहीं आएगा, पूछ देगा कि इस फंक्शन के कितने रियल रूट्स हैं, और तुम रियल रूट्स नहीं निकाल सकते हो, या मीन्स वहां पर ग्राफ की जरूरत पड़ती है, तुम उसको ग्राफ से कर सकते हो, बिना ग्राफ से भी कर सकते हो, लेकिन वो ग्राफ से ज्यादा इजिली होगा। या जैसे तुम्हें किसी फंक्शन का ग्राफ मालूम है ना, तो तुम्हें बहुत कुछ दिखता है, उसकी कॉन्टिन्यूटी भी दिखेगी, डिफरेंसिबिलिटी भी दिखेगी, इंक्रीजिंग भी दिखेगा, कंकेव अप है कि कंकेव डाउन है, तुम्हें सब कुछ दिखेगा। यानी ग्राफ आता है ना तो काफी अच्छी बात है तुम्हारे लिए, तुम क्वेश्चन को काफी इजिली हैंडल कर सकते हो, या तुम्हें एग्जाम्पल सेलेक्ट करना है तो फंक्शन लिखना टफ काम है, लेकिन ग्राफ प्लॉट करना इजी काम है, क्योंकि ग्राफ इन जनरल होता है, तो तुम ग्राफ से भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। यानी ये आगे समझ में आए, ठीक है ना, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो वहां तुम्हें समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों, तुम्हें फिर वहां पर सवाल आएंगे, या तुम्हें एरिया निकालना है, सपोज है एरिया निकाल, तो एरिया के लिए ग्राफ प्लॉट करोगे ना, यस सर, हाँ, तो बिना तो उसके लिए ग्राफ चाहिए, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, वैसे जो भी वहां पर आएगा ना वो स्टैंडर्ड ग्राफ होता है, वो तुम्हें याद रहेगा, जो भी वहां पर ग्राफ आता है वो स्टैंडर्ड होता है, वो तुम्हें याद रहेगा। बट मैं बतला रहा हूँ ऐसा क्यों तुम करते हो, वो मैं डिस्क्राइब करूंगा, ताकि तुम्हारे मन में किसी तरह का सवाल न रहे या रटना ना पड़े। नहीं होता है, देखो हम किसी चीज को जब समझ लेते हैं ना तो उसको याद करना आसान होता है, और जिस चीज को समझे नहीं है ना उसको याद करना टफ होता है, क्योंकि हमेशा वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, हमेशा दो मत में रहते हैं, हमेशा कभी भी किधर भी लुढ़क सकते हैं। लेकिन यदि तुम उस चीज को अच्छे से समझ चुके हो तो उसका उसको याद करना बहुत आसान रहता है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी तुम्हें ग्राफ है या जो भी चीज है, वो तुम इजीली याद कर सकते हो। क्लियर है? हाँ, ये हो गया इंक्रीजिंग की बात, हमें मालूम चल गया कि इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग वाला केस है,
तो ये होगा नहीं तो ये होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे फिर, अब इनमें से तीनों में से कौन होगा, तो हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स, या इसी को y डबल डैश बोला। यदि ये ग्रेटर देन जीरो हो गया, यदि y डबल डैश ग्रेटर देन जीरो हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया, यह इंप्लाई करेगा कि ग्राफ ग्राफ विल बी कॉनकेव अप, कॉनकेव अप, यानी ये वाला ग्राफ। यदि इफ इफ यानी सेकेंड केस, यदि y डबल डैश लेस देन जीरो हो जाए, लेस देन जीरो होगा तो ये इंप्लाई करेगा कि ग्राफ विल बी, ग्राफ विल बी कॉनकेव डाउन। थर्ड केस, यदि y डबल डैश इक्वल टू जीरो, इंप्लाई ग्राफ इज, ग्राफ विल बी, विल बी प्लॉट कर देता हूं, ये तीन तरह से डिक्रीज करेगा, या तो ऐसे डिक्रीज होगा, नहीं तो ऐसे डिक्रीज होगा, या ऐसे डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो अब ये मत समझना कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट, किसी भी तो क्वाड्रेंट मुझे प्लॉट करना है ना, तो मैं कोई एक क्वाड्रेंट ले लिया। कितने को यह लगता है कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमेशा मैं फर्स्ट में ही रहना है बाबू, हमें कहीं से तो प्लॉट करना है ना, तो मैंने ये ले लिया, इसको हटा सकते हो ज्यादा दिक्कत हो रहा है, या इसको भी हटा सकते हो ज्यादा दिक्कत हो रही है, इसको भी हटा सकते हो। अब तुम क्वाड्रेंट कहीं से भी प्लॉट करो, यहां भी हटा सकते, हटाए ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना है। नहीं तो कहोगे सर हमेशा हम फोर्थ डिक्रीजिंग होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेंगे, ऐसा ऐसा सवाल मेरे पास आया इसलिए मैं तुम्हें बतला रहा हूं। ऐसे सवाल मेरे पास आए कि सर आपने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा ही नहीं रहा, तो हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो आप जो मैंने प्लॉट किया उसको वेरीफाई कर ले तुम्हारा, लिख लिए हो, लिखो आराम से लिखो, कोई जरूरी नहीं, आप इसको खुद ही वेरीफाई करो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अभी अभी मैंने प्लॉट किया था ना, तो मुझे इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, तो y डैश निकालोगे तो y डैश क्या होगा 2x। देखो तो यह ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब x ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी x ग्रेटर देन जीरो के लिए y क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एंड यह लेस देन जीरो कब होगा, जब x लेस देन जीरो होगा, और x लेस देन जीरो के लिए y क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी जब x की वैल्यू निगेटिव है, जब x की वैल्यू निगेटिव है तो y डिक्रीज कर रहा है, यानी y की वैल्यू कम हो रही है। जैसे जैसे तुम x निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हो, यानी जैसे जैसे तुम इस साइड में आ रहे हो, इधर से इधर बढ़ रहे हो, निगेटिव साइड से निगेटिव साइड से, तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, y की वैल्यू कम हो रही है, y की वैल्यू कम हो रही है। और जैसे तुम इधर आ रहे हो, इधर आ रहे हो, y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी जैसे तुम जीरो को क्रॉस कर रहे हो, यानी तुम जीरो से अब एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, तो उस केस में वाई की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी डिक्रीजिंग का तीन नेचर है ना, और इंक्रीजिंग का भी तीन नेचर है, और उनमें से कौन होगा अब यहां पर डिसाइड करना। यानी मेरे पास ये हो गया, क्या हो गया, क्या च्वाइस हो गया मेरे पास, मेरे पास क्या च्वाइस हो गया, ये एक्स है, सॉरी ये y, ये x और ये जीरो। देखो x ग्रेटर देन जीरो के लिए y क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, x ग्रेटर देन जीरो यही है ना, तो इंक्रीज, देखो जीरो का मतलब जीरो को फंक्शन की वैल्यू जीरो है, तो इंक्रीजिंग के लिए ये भी हो सकता है, ऐसे भी इंक्रीज कर सकता है और ऐसे भी इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। और डिक्रीजिंग के लिए x लेस देन जीरो के लिए मेरा y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है,
जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है तो वाई डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग कैसे होगा? ऐसे भी डिक्रीजिंग हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि डिक्रीजिंग के केस में तीनों में से कौन सा ग्राफ होगा और इंक्रीजिंग के केस में तीनों में से कौन सा ग्राफ होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे। अब सेकेंड डेरिवेटिव करो y डबल डेल, ये क्या हो गया, टू हो गया ना, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हो गया ना फॉर ऑल x के लिए, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया ना। तो जब आप x कुछ भी पुट करोगे, कुछ भी पुट करोगे, y क्या हो रहा है, y डबल डेल क्या हो रहा है, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होगा, कॉनकेव अप ग्राफ। क्लियर है यहां तक? चलो तो अब बाकी चीजें हटा दो, अब यानी कॉनकेव अप वाला होगा, तो ये वाला कॉनकेव अप है, इसको हटा दो और ये कॉनकेव अप। अब समझ में आया, यही मैंने प्लॉट किया था ना ग्राफ, यही मैंने प्लॉट किया था ना, याद होगा? यस सर। रीजन मिल गया कि कॉनकेव अप ही क्यों होता है, लिखो। सिमिलरली जब y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो y डबल डैश क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो होगा, माइनस टू आ जाएगा ना, तो लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, क्योंकि आप x कुछ भी पुट करोगे तो ग्रेट, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया ना, तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो ही ना। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कॉनकेव, तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाला खुद प्लॉट कर लेना। एक और मैं प्लॉट करा देता हूं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी जब नंबर ऑफ रूट्स निकालोगे। मैं आप कैसे भी करोगे लेकिन आपको याद रहेगा तब डायरेक्ट सोचोगे ना, अब वहां पर डिफरेंशिएट वगैरह नहीं करोगे। यदि आप पहले से काम कर लोगे तो आपको वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में ये करने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में सेट रहेगा। या पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल है तो माइनस इंफिनिटी के लिए जा रहे हो तो इस टाइप से जाएंगे, आप डायरेक्ट प्लॉट कर दोगे। मैं आगे अब यही करने वाला, इस स्टेप के बाद मैं ये स्टेप को रिपीट कभी नहीं करूंगा, बस यही तक आपको समझा रहा हूं ताकि आप वहां पर रीजन मत पूछो ना कैसे क्यों हो रहा है। बस मैं टाल दूंगा, मीन्स पीछे की तरफ फॉरवर्ड कर दूंगा या आपको होमवर्क कर दे दूंगा कि आप डिफरेंशिएट करके चेक करना कहां पर कॉनकेव अप हो रहा है, कहां पर कॉनकेव डाउन हो रहा है। यानी इस स्टेप को के करने के बाद मैं एक स्टेप आगे आ जाऊंगा, मैं एक स्टेप आगे आ जाऊंगा। अब मैं ऐसे डायरेक्ट प्लॉट करूंगा, या तो ग्राफ ऐसे होगा या फिर ग्राफ ऐसे होगा या फिर ग्राफ ऐसे होगा। अब मैं डायरेक्ट इसकी बात करूंगा तो वहां पर पूछोगे सर आप कैसे कर रहे हो, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं, मुझे पता है कि यह इसी टाइप से होगा क्योंकि ये मैं कर चुका हूं ना, तो मुझे मेरे माइंड में पहले से सेट रहेगा, तो इसलिए मैं आपको ये डिस्क्राइब करूंगा। जैसे y इक्वल टू x क्यूब की ग्राफ प्लॉट करना, y इक्वल टू x क्यूब, ठीक है, तो मुझे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है ना, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन तो सबको आता होगा, और ये देखो तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो रहा है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, हां तो ये हाँ वहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर लेना, जहां पर मैं लिखाया हो ना इंक्रीजिंग डीवाई डीवाई अपॉन डीएक्स लिखाया था ना, वहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फिर वहां ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन इंक्रीजिंग, हाँ ग्रेटर देन इक्वल थोड़ी कॉन्स्टेंट फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करो। तो देखो तो ये ग्रेटर यानी हर एक एक्स के लिए वाई क्या हो रहा है, एक्स आप कुछ भी पुट करो, कुछ भी पुट करो, y डैश क्या हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो रहा है, मींस कि y क्या हो रहा है, ऑलवेज इंक्रीजिंग हो रहा है, ये भी इंक्रीजिंग, अभी मैं एक बार भी इंक्रीजिंग वर्ड नहीं लिखा, लो लिख देता y इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इंक्रीजिंग क्या होगा, देखो तो पहले मुझे रेंज भी चाहिए ना, तो जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी आ रही है, माइनस इंफिनिटी से चलते जाएंगे, जब x की वैल्यू आप जीरो पुट करोगे तो y की वैल्यू जीरो आ रही, यानी ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ग्राफ क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, और जब आप इंफिनिटी पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू इंफिनिटी आ रही है,
यानी इंफिनिटी की तरफ जाते, यानी इंफिनिटी की तरफ आप ऐसे भी जा सकते हो या ऐसे भी जा सकते हो या इस टाइप से भी जा सकते हो। तब इनमें से कौन सा होगा ये मुझे चूज करना, ये वाला होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा कि आप ऐसे भी जा सकते हो, स्ट्रेट लाइन भी जा सकते हो, तो इन तीनों चारों में से कौन सा ग्राफ होगा, अब मुझे ये चूज करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे कि इनमें से कौन सा होगा। तो अब आओ डबल डेरिवेटिव करते हैं, तो डबल डेरिवेटिव करके चूज करते हैं, इसको मैं हटा दू, मैं क्या सोचा था हो क्या रहा है, चलो कोई बात नहीं, सीख तो रहे हूं, ये ज्यादा इंपोर्टेंट। हाँ तो आओ वाई डबल एक्स, तो क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स होगा ना। तो देखो तो जब एक्स, जब यह ग्रेटर देन जीरो कब होगा, वाई डबल एक्स ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्स पॉजिटिव के लिए, एक्स पॉजिटिव के लिए जब एक्स की वैल्यू आप पॉजिटिव पुट करोगे उसके लिए ग्राफ क्या होगा, कॉनकेव अप होगा ना, व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो देन ग्राफ ग्राफ विल बी कॉनकेव अप। और डिफरेंशियल कैलकुलस के यदि क्वेश्चन करना है ना तो ग्राफ का बहुत ज्यादा रोल है। आप कहते हो ना कि सर डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन मेरे से नहीं होता है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस के क्वेश्चन के लिए ना रफली ग्राफ, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं, आपको रफली ग्राफ की आदत होनी चाहिए। आप रफली ग्राफ प्लॉट करने की हिम्मत कब चुकाओगे, जब आपको उसका बेसिक्स पता, नहीं तो आप ग्राफिक गलत प्लॉट कर दोगे तो कैसे होगा, वो कहेगा कुछ और, तुम कहोगे प्लॉट कर दोगे कुछ और, क्वेश्चन में आंसर आएगा कि इंक्रीजिंग ग्राफ लेना, तुम ले लोगे डिक्रीजिंग ग्राफ, तो आंसर कैसे सही टिक कर सकते हो। क्वेश्चन में कहेगा कि वाई डबल एक्स ग्रेटर देन जीरो है, यानी तुम्हें ध्यान में आ जाना चाहिए कि ग्राफ जो भी हमें लेना है, यानी हम मीन्स उन सभी ग्राफ को मैं कोई भी ग्राफ सेलेक्ट कर सकता हूँ, उन सभी ग्राफ में से मैं कोई भी ग्राफ सेलेक्ट कर सकता हूँ जो कॉनकेव अप है, क्योंकि क्वेश्चन ने मेंशन दे दिया है, मेंशन कर दिया कि उसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है। और मान लो कि तुम इसके लिए तुमने वेरीफाई कर दिया ऑप्शन, तो ऑप्शन तुम गलत टिक करके आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर वाई डबल डैश लेस देन जीरो, तो तुमने वैसा ग्राफ चूज, तुम वैसा ग्राफ चूज कर रहे हो मैं जो क्वेश्चन के कंडीशन को वेरीफाई नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो बेसिक्स मालूम होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस के मैक्सिमम क्वेश्चन ना एग्जांपल सेलेक्ट करके इजीली हो जाता है। मैं सभी नहीं कहूंगा, लेकिन अभी तक एग्जामिनेशन में जितना आया है, एग्जाम में जितना आया वो मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन। मैं 2016 में मैक्सिमम क्वेश्चन बाई ग्राफ ही किया, रफली ग्राफ, तो रफली ग्राफ कब प्लॉट करोगे, जब ग्राफ के कंडीशंस पता रहे, ठीक है। और यह वाई डबल एक्स लेस देन जीरो कब होगा, जब एक्स लेस देन जीरो होगा, आपको भी दिख रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, ग्राफ विल बी कॉनकेव डाउन, यानी यहां पर मैं फिर से प्लॉट करता हूं, आपको पता चल गया कि ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो माइनस इंफिनिटी से चलते हुए आप कैसे कॉनकेव डाउन होते हुए, कॉनकेव डाउन, तो आपको भी पता है ना कि कॉनकेव डाउन यही है, मैं कभी ग्राफ नहीं पढ़ा है इतने डिटेल में, यही है ना कॉनकेव डाउन, और ऑलवेज कॉनकेव डाउन हो रहा है, देखो कहीं भी फिर से कॉनकेव अप नहीं हो रहा है, हमेशा कॉनकेव डाउन हो रहा है, हमेशा कॉनकेव डाउन हो रहा है, एक्स लेस देन जीरो के लिए, और इंक्रीजिंग है, देखो इंक्रीज कर रहा है ना, ये इंक्रीज कर रहा है, दिख रहा है आपको, फिर मैं ओरिजिन के पास आ गया, फिर एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए देखो ग्राफ क्या हो रहा है, कॉनकेव अप हो रहा है, ग्राफ कॉनकेव अप, तो फिर से यहां से कॉनकेविटी चेंज हो जाए। अब समझ में आ गया कि वाई बराबर एक्स, वाई इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ ये कैसे होता है, क्लियर है ना, लिखो अभी लोग क्लास कर रहे हो तुम, हेलो
अच्छी बात। तो मैं कब क्या पढ़ा दूं कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मेरी क्लास रेगुलरली ज्वाइन करो, क्योंकि मुझे भी पता नहीं रहता है कि मैं कब कैसा पढ़ा दूं। ये इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी है। जैन की तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें आनी चाहिए। तुम कहते हो ना कि सर शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, ये ऐसी चीजें जो तुम्हारे क्वेश्चंस का जो ड्यूरेशन है करने का उसको कम कर सकता। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर दोगे, लेकिन तुम तीन क्वेश्चन दो क्वेश्चन में भी अप्लाई कर देते हो या एक ही क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हो ना, एक क्वेश्चन का भी इम्पोर्टेंट है, तुम्हें भी पता है। और वो क्वेश्चन यदि बाय थ्योरेटिकली करते हो तो 5 to 10 मिनट लगता है, लेकिन बाय ग्राफ अप्रोच करते हो तो 30 सेकेंड भी नहीं लगता। तो तुम्हारा दूसरे के कंपेयर में टाइम तो बचेगा ना। तो खेरा साहब भी कहते हैं कि जीतने वाला आदमी अलग काम नहीं करता, वो उसी काम को अलग तरीके से करता है। तो कोई भी जीतने वाला आदमी ऐसा नहीं है ना कि वो कुछ अलग तरह से पढ़ाई मीन्स अलग पढ़ता है। जो जो चीज तुम पढ़ रहे हो वो भी कोई और पढ़ रहा है जो जैन की तैयारी कर रहा है, लेकिन कौन कितना बेहतर तरीके से पढ़ता है ये ज्यादा मायने रखता है। तो जो जितना बेहतर देखो अब लोग फिल्टर होता है तुम्हें पता है, यदि कोई नहीं पढ़ रहा है तुम्हारे लिए आसान है। अब स्वामी सिंह सपोर्ट है 10 आवर्स तुम भी पढ़ रहे हो, यही 100 बंदे 10 आवर्स पढ़ रहे हैं। तो अब इनमें से भी किसी को फिल्टर करना होगा ना, और इनमें से जो बेहतर तरीके से पढ़ेगा, तो मान लो कि 50 बंदे बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स है, 10 आवर्स प्लस बेहतर कर रहे हैं, प्लस बेहतर कर रहे, यानी बेहतर वे में पढ़ रहे हैं, बेहतर वे। तो फिर अब तुम 50 में आ गए, तुम भी उसमें से हो, फिर यहां से भी चीजें फिल्टर होगी ना, फिर यहां से भी फिल्टर होगी, और उसको कितना अलग वे में पढ़ रहा है। तो ऐसे ही चीजें फिल्टर होती है, फिल्टर होते होते तुम टॉप 10 के कैटेगरी में, टॉप 50 के, टॉप 20 के, टॉप 25 के कैटेगरी में आ जाते। हेलो, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। हेलो, हाँ पूछो। ये बोल रहा था सर कि जो कौन ये जो है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉन्वेक्स फंक्शन है या कॉनकेव फंक्शन है? वाई इक्वल टू एक्स, तो कन्वेक्स का डिफिनीशन है तो वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये गेट के सिलेबस में, हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये इसका होता है कि लैम्डा एक्स प्लस वन माइनस लैम्डा वाई लेस देन इक्वल टू लैम्डा, ये होता है कॉन्वेक्स फंक्शन का डिफिनेशन, ठीक है ना। तो ये मेन डिफिनेशन, हम आगे बात करेंगे इस पर, क्योंकि कॉन्वेक्स फंक्शन और जैन के सिलेबस में नहीं, हटा फिर इसकी अलग कहानी चलने लगी यहाँ, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे प्रॉपर्टी, आप आओगे ना यहाँ पर IIT में जैन के थ्रू या गेट कहीं भी आपको जाओगे तो कन्वेक्स फंक्शन काफी अच्छे से पढ़ाया जाता है ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में, एक ऑप्टिमाइजेशन सब्जेक्ट होगा वहां पर, कन्वेक्स फंक्शन में काफी डिटेल एक्सप्लेन किया जाता है, करीब 5-6 क्लास चलता है। तो डिपेंड करता है कि प्रोफेसर कैरमीज कितनी स्लो और कितनी स्पीड पढ़ा रहे, उस पर भी डिपेंड करता है। हाँ, एक और है वाई इक्वल टू 2 का पावर x ले लेता हूँ, सिंपली 2 का पावर x या a का पावर x ले, a का पावर x इन जनरल है, और मैं दे दिया कि a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तो y डैश करोगे ना तो y डैश क्या होगा, इसका डेरिवेटिव याद कर लेना, a का पावर x इंटू ln a होता है, ये मालूम है ना, ये मालूम है सबको? यस सर, यस सर। चलो अच्छी बात। तो अब देखो यह ग्रेटर है, देखो यह पॉजिटिव है और a ग्रेटर देन 1 है, तो यह ग्रेट a ग्रेटर देन 1 है तो log भी क्या हो गया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया ना, क्लियर है ना ये यहां पर, यानी ये ऑल x के लिए क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है,
फॉर ऑल एक्स के लिए फॉर ऑल एक्स वाई क्या हो रहा है इंक्रीजिंग, वाई इंक्रीजिंग हो रहा है, तो इंक्रीजिंग तो हो गया, अब इंक्रीजिंग में से कैसे इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग में से क्या, अब तुम्हें भी मालूम हो गया कि माइनस इंफिनिटी पर जीरो और इंफिनिटी पर प्लस इंफिनिटी की तरफ जाना है, तो ग्राफ करने से या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, अब इन तीनों में से कौन होगा, अब इसको मुझे फिल्टर कर, देख रहे हो चीजें फिल्टर हो रही है, बोले बहुत सारे ग्राफ है, ग्राफ का बहुत सारा नेचर है, उनमें से एक नेचर को मैंने फिल्टर कर लिया कि इस नेचर का होगा, इनमें से भी तीन केस हो रहा है, तो वैसे ही तुम्हारे कंपटीशन में भी हो रहा है, जैसे जैसे मेहनत तुम कर रहे हो, जितने टाइम्स मेहनत कर रहे हो वैसे वैसे तुम काफी लोगों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो, और यह तुम्हें एग्जाम के दिन तक कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू रखना, तो फिर हम डबल डेरिवेटिव करें, तो इसका डबल डेरिवेटिव करो तो ln a कांस्टेंट है, फिर से ln a आएगा तो स्क्वायर कर दिया, अभी भी ये क्या है देखो तो ग्रेटर देन जीरो ही है ना, यानी ग्राफ क्या होगा कॉनकेव अप होगा फॉर ऑल x के लिए, फॉर ऑल x के लिए क्या होगा कॉनकेव अप, कॉनकेव अप होगा, तो कॉनकेव अप यही है सबको मिलता, तो सर रीजन मिल गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना सही तुमको ऑक्सीजन मिल गया होगा, जिसको नहीं आ रहा होगा या जिसको रीजन नहीं पता होगा, और जिसको पता होगा उसका रिविजन हो गया होगा, और क्या लिख लो, मैं पढ़ाऊंगा, रुकना है ठीक है ना, क्योंकि इतना जीरो से स्टार्ट किया हूं तो कवर भी तो करना है, और आप लोगों का एक तरह से रिवीजन हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, मैं वहां पर अपने आप स्लो हो जाऊंगा जहां पर आप चीजों को पहली बार पढ़ोगे, ऐसा मुझे लगेगा कि आप पहली बार पढ़ोगे, यानी वैसा टॉपिक जो आप उसके पहले कभी नहीं पढ़े हो, वहां पर मैं अपने आप स्लो हो जाऊंगा, वैसे अभी भी मैं स्लो ही हूं, लेकिन वहां पर मैं आपका टाइम कम लूंगा, मीन्स इतनी जल्दी जल्दी टॉपिक्स नहीं खींचूंगा, एक ही जगह रहूंगा और उस पर क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा, टाइम तो इतना ही लगेगा लेकिन क्वेश्चन ज्यादा करो, लेकिन अभी थोड़ा आप मुझे भी पता है कि आपको इसमें बहुत सारी चीजें आ रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड हूं, लेकिन मैं स्पीड नहीं हूं, मुझे पता है आपको भी पता है कि सर कितना स्लो पढ़ा रहे हैं, तो ये रहते ठीक है ना, तो ये क्या हो गया वाई डैश ही करेंगे अब तो धनादन हम करेंगे, मुझे कंसेप्ट पता हो गया, तो ये क्या हो गया देखो तो यह पॉजिटिव है, और ln a देखो जब जीरो टू वन के बीच में होता है तो log की वैल्यू क्या होती है निगेटिव होती है ना, ये मालूम है ना, जैसे नहीं समझ में आ रहा देखो बेस हमेशा ई होता है, ln लिखो या log लिखो बेस हमेशा ई होता है, जैसे यहाँ पर वन बाई टू है तो वन बाई टू को क्या लिख सकते हैं, मान लो कि a की वैल्यू वन बाई टू है, टू का पावर माइनस वन है, ये माइनस वन बाहर आ जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा log, तो log 2 पॉजिटिव होता है, ये माइनस आ गया ठीक है, ये क्यों होता है इसका भी रीजन है, लेकिन उस पर आपको मुझे मालूम है कि ये आपको पता है, इतना तो आपको पता है ये मुझे मालूम है, इसलिए मैं इसका यूज कर लिया, log अभी आगे आएगा लेकिन मैंने इसका अभी यूज कर लिया, यानी और एक वैल्यू जीरो टू वन के बीच, यानी ये फॉर ऑल एक्स के लिए क्या हो गया निगेटिव हो गया, यानी वाई क्या हो गया डिक्रीजिंग हो गया फॉर ऑल एक्स के लिए, फिर डिक्रीजिंग में तीन नेचर वही, तो अब मैं चिचड़ी नहीं पा रहा हूं ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूं, अब मैं वाई डबल डैश करूंगा, वाई डबल डैश करोगे फिर से डेरिवेटिव करोगे तो ए एक्स एल एन ए यहाँ पे फिर से आएगा ना, और एक एल एन ए पहले से क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है ये क्या हो गया ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया फॉर ऑल एक्स के लिए, यानी फॉर ऑल एक्स के लिए क्या हो गया फॉर ऑल एक्स के लिए क्या हो गया था कॉनकेव अप हो गया, कॉनकेव अप हो गया, तो मुझे डिक्रीज करते हुए आना है, तो डिक्रीज कैसे होगा माइनस इंफिनिटी पर वाई इंफिनिटी होगा, माइनस इंफिनिटी पर वाई इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी से चलोगे जीरो पर वाई वन होगा,
इस टाइप का कॉनकेव अप है ना, और मैं डिक्रीज हो रहा हूँ, डिक्रीज हो रहा हूँ, डिक्रीज हो रहा हूँ, और एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करूंगा। इसका भी आपको रीजन मालूम हो गया। चलो प्लॉट कर, तो आज के बाद ये ग्राफ याद होना चाहिए, आज के बाद ग्राफ याद होना चाहिए कि इसका ग्राफ ये होता है, इसका ग्राफ ये होता है। यदि भूल जाते हो बाई चांस, तो आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए। यानी भले आप चीजों को कर रहे हो, याद कर रहे हो, लेकिन हमेशा ये याद रखना है कि वो चीजें जो याद कर रहे हो उसका कनेक्शन कहां से है। जो चीज आप याद रख रहे हो उसका कनेक्शन कहां से, वो कहां से चल के आया है, यानी उसकी ओरिजिन को हमेशा पकड़ के रखना है, ओरिजिन नहीं छोड़ना है। यदि ओरिजिन छोड़ दोगे तो तुम भटक जाओगे, यदि तुम ओरिजिन छोड़ दोगे तो भटक जाओगे। कहने का मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें ओरिजिन की ही जरूरत है, ओरिजिन को पकड़ना पड़ेगा, और तुम ओरिजिन ही भूल चुके हो, तुम रास्ता भटक चुके हो, तो क्वेश्चन होने का चांस काफी कम हो जाएगा। तो ओरिजिन को नहीं छोड़ना है, याद रखना है अच्छी बात है, लेकिन ओरिजिन को नहीं छोड़ना। ये ऐसा नहीं कि फॉर्मूला याद कर लिया, कहां से आया ये अभी मैं भूल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो काफी जीरो लेवल हो गया। चलो कोई आपका भी रिवीजन हो रहा है, आगे बढ़ते। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो y इक्वल टू a का पावर x, ये एक्सपोनेंशियल है, और y क्या है, ग्रेटर देन, यानी किसी भी पॉजिटिव या नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। कोई भी आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है, आप हमेशा उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो एंड a नॉट इक्वल टू वन। आप कोई भी रियल नंबर बोलो, देखो मैं आपको इस फॉर्म में लिख कर दिखा दूंगा। यही होता है एक्सपोनेंशियल, और यही साथ है लॉ। तो क्या होता है इसको, या a यहाँ पर बेस होता है, ए को बेस करते हैं, और एक्स क्या होता है, पावर होता है, और वाई क्या है, ग्रेटर देन जीरो, और बेस पर कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ये दो कंडीशन दिया, यानी एक्सपोनेंशियल का डिफिनेशन। और यहां से मैं लॉग आऊंगा, तो लॉग में कैसे लिखोगे आप, पावर को कैसे लिख सकते हो, यानी पावर इक्वल टू लिख सकते हो लॉग वाई बेस ए, log y बेस a, आप ऐसे लिख सकते हो ऐसे। तो चूंकि हमें y x का फंक्शन चाहिए ना, तो मीन्स हमें जब वेरिएबल दो तरह का होता है, ये थोड़ा छूट गया था, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा ओरिजेंटल रखते हैं, x एक्सिस पर रखते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल को y एक्सिस पर रखते हैं, ग्राफ प्लॉट करते समय। यह y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, तो मैं इसको y x में कन्वर्ट कर दू, x को y से और y को x से रिप्लेस कर दू, ये हो, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। यदि कंफ्यूज होगा कि तो उसी तरह से लिख, या मैं नंबर लिख देता हूँ, n इक्वल टू सब्सिक्वेंटली n इक्वल टू ये लिख देता और इसको y कर देता, ये ज्यादा बेहतर, या इसको ऐसे ही रहने, इसको x से रहने, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते, और n कोई पॉजिटिव रियल नंबर, n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ऐसे लिख। यदि मैं अभी डिफाइन करूं कि आप लॉग आते कैसे हो, तो पावर इक्वल टू क्या लिख रहे हो, लॉग n बेस a, लॉग a बेस a, ये लिख रहे हो, लॉग n बेस a बेस, तो इसी को मैं y इक्वल टू x लिख देता, ऐसे सॉरी y इक्वल टू लॉग x बेस a लिख देता, यानी n को x ले लिया और x को y ले लिया, रिप्लेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे ग्राफ y इक्वल टू f x का फंक्शन बनाना है ना, इसलिए सर। तो यहाँ पर देखो बस सर कॉन्फ्यूज हो रहा है, और एक क्या हो रहा है सर,
सर कॉन्फ्यूज हो जाते हो, और एक बार बताइए बताओ ये समझ में आ रहा है ना? है सर, ये क्लियर है? हाँ, तो है। पावर इक्वल टू लिखो, पावर इक्वल टू लॉग ए बेस ए, यानी आप एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक लॉग में आ गए, एक्सपोनेंशियल से आप लॉग में आ गए, एक्सपोनेंशियल से लॉग में। आपने क्या लिखा, यह पावर है, अभी भी पहले भी पावर था, अभी भी पावर है, यह बेस अभी भी है, ए बेस अभी भी है और ए बेस अभी भी है, लेकिन अब बेस किसका है, लॉग का बेस हो गया। क्लियर है? सर हाँ, तो यहाँ पे एन अभी भी क्या है, देखो तो एन पहले भी ग्रेटर देन जीरो था और अभी भी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है? पहला। सेकेंड केस, ए अभी भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो और नॉट इक्वल टू वन, ये यहां भी हो। क्लियर है? यहां पर एक्स अभी भी रियल नंबर था, एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी एक्स अभी भी रियल नंबर है और यही एक्स यहां आया है ना, तो एक्स अभी भी रियल नंबर। क्लियर है यहां तक? लिखिए, यानी एक्सपोनेंशियल से लॉग कैसे है, मैंने ये डिफाइन किया। तो थोड़ा डेटा बचा करके रखो, जब तुम्हें मालूम है कि मुझे रात में पढ़ाई करना है, क्लास है, यदि आईआईटी से प्यार है, प्रेम है, इच्छा है आईआईटी में आने की, आईआईटी में आने की चाहत है तुम्हारी, तो तुम उसके लिए कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, जहां तक मुझे पता है। तो डेटा बचा करके रखो तो ज्यादा बेटर है। यानी अब मैं y और x के बीच में डिफाइन कर देता हूं, तो y इक्वल टू log x बेस a, ठीक है ना, इस टाइप, इस टाइप। अब इसका डोमेन बदलाव क्या होगा, डोमेन क्या होगा, यही से डिसाइड होगा ना, log यही डिफाइन हुआ था ना, तो n यहां पर क्या था, पॉजिटिव, तो यहां पर log के बाद x है ना, एक्स क्या होगा, पहले ए पर कंडीशन गिवेन होगा, ए इसके बीच में, ए ये है, ठीक है ना, पहले ए गिवेन होगा, मैं लॉग को डिफाइन किया हूं, अब एक्स मुझे चूज करना है, तो मैं लॉग को, यही से मैं लॉग को डिफाइन किया था ना, जब मैं लॉग को डिफाइन किया हूं, तो यहां पे एन क्या था, पॉजिटिव, तो अभी भी यहां पर लॉग मेरा कब डिफाइन होगा, जब एक्स पॉजिटिव होगा, यानी डोमेन क्या होगा, डोमेन जीरो टू ए। क्लियर है क्या, यानी लॉग कब डिफाइन हो रहा है, लॉग कब डिफाइन हो रहा है, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल से ही लॉग तक आए थे ना, हम यहीं से लॉग तक आए थे, यहीं से, ये यह इफ एंड ओनली होता है, यहां से यहां आ सकते हो, यहां से यहां जा सकते हो, तो जब इफ एंड ओनली इफ है, तो यहां पर एक्स रियल था, एक्स रियल था और यहां पर जो था वो पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है, तो लॉग के पास क्या है, एक्स है, यहाँ पर x है ना, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और x की वैल्यू कहां से आती है, डोमेन से आती है, ये क्या हो गया, डोमेन हो गया, और y क्या होगा, रेंज क्या होगा, मतलब रेंज क्या होगा, तो देखो तो रेंज यही था ना, यहां पर देखो x की वैल्यू जो जो log की वैल्यू, log की वैल्यू क्या है, रियल है ना, यही है ना x, ये log किस में बिलोंग कर रहा है, रियल में बिलोंग कर रहा है, रियल, लॉग की वैल्यू क्या है, रियल है, यहाँ पर भी लॉग की वैल्यू क्या है, रियल है, और इसकी वैल्यू क्या है, वाई है, यानी और मुझे रेंज के लिए वाई चाहिए, ये क्या हो जाएगा, रियल। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं हुआ ना, फिर से कैसे हुआ मैं बतला देता हूं, जरूरी है कि यहीं से ही समझो, तुम यहां से भी समझ सकते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, लॉग बेस ई ही ले लेता हूं, ठीक है ना, बेस ई और एक्स ले लो, सिंपल, तो देखो यदि एक्स की वैल्यू तुम क्या ले रहे हो, टेंडिंग टू जीरो ले रहे हो, टेंडिंग टू जीरो, तो टेंडिंग टू जीरो कौन सा नंबर होगा, इसी टाइप का नंबर होगा ना, ई का पावर इंफिनिटी कर दो, देखो तो यह नंबर जीरो के करीब है, क्लियर है ना,
ये नंबर क्या है, जीरो के करीब है और मुझे एक्स पॉजिटिव लेना है, ये पॉजिटिव है और जीरो के काफी क्लोज है, यहां पर पुट करो। इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग ई ई का पावर माइनस इंफिनिटी, सही है ना, और ये बाहर रह जाएगा माइनस इंफिनिटी लॉग, ये जब दोनों आपस में इक्वल होगा तो इसकी वैल्यू याद है ना वन होती है, इतना मालूम है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो इसकी वैल्यू यह क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी। टेस्ट टू कर दो ज्यादा देर, तो देख रहे जब हम तुम जीरो के करीब आ रहे हो, जब तुम जीरो के करीब आ रहे हो तो वाई किधर जा रहा है, माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, यही ना वाई की वैल्यू है, यानी इंप्लाई क्या कर रहा है, वाई टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, वाई टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। इसको हटाओ, ज्यादा दिक्कत की गोली मार रही। फिर एक्स की वैल्यू इंफिनिटी ले लो, तो इंफिनिटी में मैंने ये वाला इंफिनिटी कंसिडर कर लिया, कर कुछ भी सकते हो तो, लेकिन मुझे तुम्हें समझाना है ये, तो देखो ये भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना, और इसको लॉग के पास पुट कर दो एक्स के जगह, ये एक्स की वैल्यू में लिया, ई का पावर इंफिनिटी, ये पावर बाहर रह जाएगा इंफिनिटी लॉग ई, ये कहाँ चला गया, यह इंफिनिटी के तरफ चला गया, यानी वाई टेंड्स टू क्या हो गया, इंफिनिटी, यानी इसका रेंज क्या हो रहा है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। क्लियर है, लिख लो। बस यही आपका लास्ट फंक्शन है, इसके बाद मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लीस्ट इंटीजर पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा बहुत आपको ट्रैक पर लाना था जो मैं ला दिया यहां तक। इसकी जरूरत है, ऐसे ही मैं नहीं करा रहा, जो 2021 में जैम का क्वेश्चन आया था, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, और वहां पर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना था, एक्स की वैल्यू निकालना, तो जब तक तुम्हें लॉग के बारे में सब कुछ मालूम नहीं होगा तुम उस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो मालूम होना चाहिए, तुम्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो जब इतना हो गया तो हम थोड़ा ग्राफ में भी इंटरेस्टेड है, इसका ग्राफ क्या हो, तो हमारे पास फंक्शन है ना, और सबको इसका डेरिवेटिव मालूम है, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, मतलब 1 बाई एक्स होगा ना, क्लियर है, और देखो x पॉजिटिव है तो y डैश क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, यानी y इंक्रीजिंग हो गया ना, समझ में आ रहा है कि बाउंस हो रहा है, बोलना भाई स्लो मीन छोड़, बाउंस होगा तो बदलाना, कुछ और उपाय किया जाएगा, फिर इंक्रीजिंग मालूम हो गया तो तीन नेचर होगा, अब उसमें से एक कोई होगा तो हम डबल डेरिवेटिव करते, तो इसका डेरिवेटिव ये होगा, ये क्लियर है ना, यह क्या है लेस देन जीरो होगा क्योंकि यह पॉजिटिव और यह माइनस है, ये लेस देन, यानी ये क्या हो गया, कॉन्केव डाउन हो गया, फॉर ऑल एक्स के लिए हो गया, यह फॉर ऑल एक्स और इंक्रीजिंग है, फॉर ये यह फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल का ये साइन, फॉर ऑल का ये साइन, फॉर ऑल, तो ग्राफ प्लॉट कर दो, क्लियर है, पहली बात कि एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स पॉजिटिव मतलब जब एक्स इक्वल टू वन होगा तो लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, लॉग वन की वैल्यू जीरो, लॉग वन की एक्स की वैल्यू वन पुट करोगे तो जीरो होगा, तो वाई की वैल्यू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, जब एक्स टेंड्स टू जीरो हो रहा है, एक्स टेंड्स टू जीरो हो रहा है तो वाई की वैल्यू माइनस इंफिनिटी आ रही है, और ये इंक्रीज कर रहा है, इसी तरह से इंक्रीज कर रहा है, और कनकेव डाउन है, देखो कनकेव डाउन है ना, कनकेव डाउन है, लिखो, तो यहां पर भी एक केस है, एक यहां पर केस होगा, एक केस होगा यहां पर, एक मिनट मैं डेरिवेटिव गलत लिखा हूं,
तुम बतला नहीं रहे हो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा एक्स एल एन ए, बेस ए है ना, बेस ए है, तुम भी केवल छापने में बिजी हो, और यहां पे क्या होगा एल एन ए होगा। तो मैं ए की वैल्यू इसके बीच में ले लेता हूं, ए की वैल्यू में ग्रेटर देन वन ले, ए की वैल्यू में मुझे ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो मैं ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन ले, यानी ये किसके लिए ग्राफ है, जब ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन है उसके लिए, क्योंकि ए ग्रेटर देन वन होगा तो ही अब ग्रेटर देन जीरो, यानी वाई डैश इंक्रीजिंग होगा, और ये क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो टोटल यहाँ पर निगेटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव फॉर ए, क्योंकि ए ग्रेटर देन वन है ना, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ओवरऑल लेस देन जीरो। वो पहले से काफी चीजें आ रही है, इसलिए मुझे थोड़ा मेरे लिए पढ़ाना आसान है, तो मीन्स आगे बढ़ना आसान है, पढ़ाना आसान कहने का मतलब थोड़ा मुझे आगे बढ़ना आसान है मेरे लिए, ये समझ में आया ना इसका रीजन, ये मैंने ग्रेटर देन वन दिया तो क्यों हो गया लेस देन जीरो, क्लियर है सबका? चलो कोई नहीं बोल रहा है, मैं सबका क्लियर, सलमाओगे तो नहीं सीखोगे, मैं पहले बोल रहा हूँ, भले प्लस टू की चीज है मैं फिर भी बतलाऊंगा, मैं बतलाने तुम मेरे पास सीखने के लिए ही आए हो, भले सीखना इम्पोर्टेंट है, जैन बात की चीज है, हम साल भर अच्छे से सीख लेंगे, छह महीना यदि अच्छे से सीख लेते हैं तो कोई भी एग्जाम तुम क्रैक कर लोगे, जैन भी क्रैक हो जाएगा, इजिली क्रैक हो जाएगा, तो सीखना इम्पोर्टेंट, थ्री इडियट में भी करता है कि अपने आप को बेहतर बनाओ, बेहतर बनाने का मतलब कि चीजों को अच्छे से तुम सीखो, एग्जाम अपने आप क्रैक हो जाएगा, तो मूवी देखते हो तो उसका कुछ यूज करो, केवल देखो ही मत। यदि ये हो गया तो ग्राफ ये हो जाएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ देर के लिए मैं भी फंस गया, तो फिर मैंने क्या सोचा, फिर वही सोचा जो सारा चीज मैं तुमको बतलाते आ रहा हूं, पहले मैं इसका रेंज देख लिया, रेंज तो वैसे भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, तो मैं ये देखा कि जब मैं एक्स जीरो के करीब आ रहा हूं तो यह क्या आ रहा है, प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, अब तुम्हारे मन में सवाल है कैसे जा रहा है, एक प्रेम से एक एग्जांपल ले लो, कोई ज्यादा टेंशन लोड नहीं लेना, ए की वैल्यू क्या ले लो, वन बाई टू ले लो, क्लियर है ना, वन बाई टू और एक्स है, एक्स जीरो के करीब क्या लोगे, सबसे बेस्ट है कि वन बाई टू, यानी टू का पावर क्या ले लो, माइनस इंफिनिटी ले लो, यह नंबर जीरो के करीब है ना, क्लियर है, और यह पावर बाहर आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी लॉग टू वन बाई टू, ठीक है, अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है जो तुम्हें मालूम होगा या नहीं मालूम है तो आज के बाद मालूम होना चाहिए, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, अब यह माइनस जो होता है यहाँ डिवाइड होता है, चूंकि यहाँ माइनस वन है तो डिवाइड भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह इंफिनिटी हो जाएगा, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लॉग टू बेस टू दोनों की वैल्यू सेम हो गया तो इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी, जब तुम इंफिनिटी पुट करोगे तो यह जब तुम यहाँ एक्स की वैल्यू इंफिनिटी लोगे, एक्स की वैल्यू तुम इंफिनिटी लोगे, वन बाई टू,
तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा लॉग और इन्फिनिटी भी बाहर आ जाएगा, टू इसकी वैल्यू और माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी का ग्राफ डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव करके चेक कर लेना और डबल डेरिवेटिव करना, वो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, आप चेक कर लेना डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन, क्योंकि ग्राफ क्या है कंकेव अप, मुझे याद था तो मैंने प्लॉट कर लिया, ऐसा कैसे होगा आप ड्रॉ करके आप वहां से निकाल सकते हो जो आपको मैं प्रोसेस बतला। चलो ठीक है, थोड़ा इससे थोड़ा अलग स्टार्ट करते हैं, तो कुछ लॉ की प्रॉपर्टी लिखा देता हूं जिसकी जरूरत पड़ेगी। इरेज कर दो, तो सब कुछ ये प्लस टू का था, अभी प्योर प्योर प्लस टू का है, आप लोग प्लस टू में भी एक बार पढ़े थे और एक बार और पढ़ लिए, तो थोड़ा बहुत चीजें स्ट्रॉन्ग होगी, रिवीजन में आ गया, तो कुछ प्रॉपर्टी है लिख लो लॉग का, यदि लॉग एन इंटू हा एक चीज में लिखा दो, ये तो भी लिखाया है, यदि बेस ई रहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एल एन एक्स, और ई क्या है ग्रेटर देन वन है ना, इसका ग्राफ कैसा होगा इस टाइप से होगा, ये याद होना चाहिए, जब एक वैल्यू ग्रेटर देन वन होता है तो ग्राफ ऐसे होता है, ये याद होना चाहिए, देखो याद है तो डायरेक्ट मैंने प्लॉट कर दिया ना याद करने का, हाँ लेकिन आया कैसे वो भी मालूम, यानी ओरिजिन आपको हर एक चीज का मालूम होना चाहिए, भले में याद करने के लिए बोल रहा हूं लेकिन आपको ओरिजिन मालूम होना चाहिए कि वो आया कहां से, लड़का बाद में छोड़ देता ओरिजिन को ही छोड़ देता, वो आगे इतना निकल जाता इतना निकल जाता, यानी जब आप घर से कमाने के लिए या पढ़ने के लिए निकलते हो या दुनिया घूमने के लिए निकलते हो तो आप घर को नहीं भूलते हो ना, काफी लोग आजकल भूल भी जा रहे हैं मम्मी पापा को, ठीक है तो घर को भूलने का मतलब मम्मी पापा को भूलना, तब मम्मी पापा को नहीं भूलते, जो मम्मी पापा को भूलता है उसका जिंदगी नर्क हो जाता है, ठीक है ना, उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं रह जाती है, तो मम्मी पापा को नहीं भूलना है, हमेशा घर को पकड़, आप दुनिया कितनी भी घूम लो लौट के कहाँ आते हो घर पर ही आते हो, हम लौट के घर पर ही आते हैं, हम दुनिया कितनी भी घूम ले हम लौट के घर पर ही आते हैं, यानी आप क्वेश्चंस करते करते कितना भी आगे निकल जाओ वापस लौट के घर ही आना है, यानी इसको पकड़ के रखना है, जैसा रोज रोज घर पर कॉल करते हो ना आप कहीं पर भी हो वैसे ही रोज रोज इसको कॉल करना है, कॉल मीन्स कि कहां से आया है इसको कॉल करना है, रिकॉल करना है, कॉल का मतलब रिकॉल करना है, क्योंकि उसको पकड़ के रखोगे ना, हाँ मैंने बात बोला था ना लेवल का, तो लेवल वहीं से इंप्रूव होता, किसी का लेवल क्यों नहीं इंप्रूव होता, वो ओरिजिन को छोड़ देता है, कहां से वो चौवा स्टार्ट किया था उसको भूल जाता है, इसलिए उसका लेवल इंप्रूव नहीं हो पाता, जहां से वो चौवा स्टार्ट किया था उस पर से उसका कॉन्फिडेंस, उस पर उसका कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, इसलिए उसका लेवल इंप्रूव नहीं हो पाता, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रहता, क्वेश्चन छोटे छोटे चीजों से मिलकर ही डिफिकल्ट बनता है, उसको स्प्लिट कर दो और अलग अलग फ्रेम में सोचो, जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है सबके बारे में एक एक करके सोचो, देखो क्वेश्चन इजी हो जाएगा और वो तुमसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो क्वेश्चन टॉप यानी लेवल इंप्रूव कहां से होता है, लेवल इंप्रूव बेस से होता है, तुम बेस को मजबूत करो, यानी उस डिफिनिशन पर इतना क्वेश्चन करो वो तुम्हें दिखने लगे, कहीं भी उसका यूज हो ना तो वो दिखने लगे, जैसे मैं एग्जांपल बतलाता हूँ, क्रिकेट शायद काफी लोग देखने में इंटरेस्ट रखते होंगे या थोड़ा बहुत जानते होंगे कि हाँ मार दिया बॉल, क्या उसको बॉल दिखता है क्या, कोई मुझे बतलाएगा, जब वो लोग क्रिकेट खेलते हैं बैट पकड़ते हैं तो क्या उनको बॉल दिखती है, कोई बतलाओ क्या उनको आंखों से बॉल दिखती है कि कहां टप्पा खा के कहां जा रही है, बॉल दिखता है नो सर
बॉल वही दिखता फिर भी मार देता कैसे मार देता कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं कॉन्फिडेंस तो हमारे ऊपर भी है तो क्या मैं बैच ले लूंगा तो बॉल मार दूंगा उसको प्रैक्टिस करता है कि बॉल यहाँ कब पर खा रही है ना तो इस हाइट पर बॉल आ रही है yes, वो याद कर रखा है कि वहां बॉल कब पर खाएगा ना तो इस हाइट पर यानी बल्ला इस हाइट पर चलाना है बॉल बीच में कब पर खाएगा तो ऊपर ऊपर मेरे सर के जाएगा तो बल्ला को उठाना है यदि वो प्रैक्टिस करना छोड़ देना तो उससे नहीं होगा यदि वो केवल यदि सब रोल किसका है प्रैक्टिस का है क्वेश्चन पर इतना प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट को कहीं भी पटके किसी भी क्वेश्चन में जाकर के यूज करे पटकने का मतलब कि यूज करे वो तुम्हें दिख जाए इतने प्रैक्टिस करो yes. तो सचिन तेंदुलकर जीरो का आउट होता है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको क्रिकेट खेलना नहीं आता कहने का मतलब ये है कि आपने बहुत पढ़ा और आपसे एक आध क्वेश्चन नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है आपसे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता आप अगले दिन अच्छा परफॉर्मेंस करोगे आप और थोड़ा प्रैक्टिस करोगे सचिन जीरो पर आउट होता था तो और ज्यादा प्रैक्टिस करके आता था कि अगले मैच में सेंचुरी मारना तो आप थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे कहीं ना कहीं कमी हो रही थी जिससे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा आप उस कमी को दूर करोगे यानी जिस बॉल पर आप आउट हो रहे हो उस बॉल को आप प्रैक्टिस करोगे ना टप्पा खिला खिला करके एक ही जगह पर हाँ भाई उसी जगह पर टप्पा खिलाओ और इस बॉल पर मैं आउट हुआ था और उस आपको प्रैक्टिस करो यानी सचिन उस बॉल पर प्रैक्टिस करता था और आता था और अगले बार उस बॉल पर आउट नहीं होता था लेकिन यदि वो प्रैक्टिस करके नहीं आया तो अगले दिन फिर उस सेम बॉल पर आउट होता था सेम बॉल तो सब गेम प्रैक्टिस का है तो आप क्रिकेट से भी काफी कुछ सीख सकते हो तो वाई इक्वल टू क्या है लॉ ऑफ बेस ई है जब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ बेस ई है अब मैं बेस ई पर आ गया या चलो अभी बेस ए ले लो ठीक है और सब कुछ डिफिनेशन के अकॉर्डिंग है ए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन है जब ये प्रोडक्ट में रहेगा ना तो यहाँ पर समेशन हो जाएगा और इसकी जरूरत पड़ेगी जब यह डिवीजन में होगा यहाँ पर ये इफ एंड ओनली इफ यहां से यहां जा सकते हो तो यहां से तुम यहां भी आ सकते हो ये ध्यान रखना लॉग ए एम या बीच में माइनस हो जाता सबकी जरूरत होगी सबका यूज है ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा हूं सबका जरूरत है वाई इक्वल टू लॉग ए यहां पर एक्स का पावर एम है ये एम बाहर हो जाए और सबको डिफिनेशन के अकॉर्डिंग है इसलिए मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूं ठीक है ना सबको डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हो यह एम क्या होगा डिवाइड हो जाएगा ये एम डिवाइड में होगा और सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई जो अभी लिखूंगा वो वीवीआई यदि 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 ए का पावर लॉग ए का पावर एक्स है यानी इन दोनों का बेस सेम हो जाए तो यह एक्स हो जाता है कैसे इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस रहे log a x यही है ना y तो यहां से x इक्वल टू क्या लिखोगे मतलब तो x इक्वल टू या एक्सपोनेंशियल से log में आए थे तो log से एक्सपोनेंशियल में जाओ तो क्या होगा x इक्वल टू a का पावर y यह अभी भी बेस है और ये पावर था ना यह पावर है या क्या देता है पावर देता तो y क्या है पावर है और a बेस है तो और x नंबर है ये हो गया और y क्या है इसको वापस से पुट कर वाई यही है ना तो वाई की जगह में फूट कर समझ में आ गया ये इंपॉर्टेंट ये यूज होगा तुम्हारा आगे भी ये ज्यादा यानी सभी यूज होगा केवल यह यूज नहीं होगा इसमें से केवल ये यूज कम होगा ठीक है ये वाला यूज कम होगा बाकी सबका यूज होगा जब मैं लिमिट पढ़ाऊंगा डिफरेंसिबिलिटी पढ़ाऊंगा मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाऊंगा इंक्रीज यानी सभी जगह यूज होगा तुम्हारा और जब तुम एमिली पढ़ोगे ना एमिली इस टाइप में एमिली एक टॉपिक आएगा मैक्सिमम लाइकली वो इसकी जरूरत वहां भी होगी या लोग नॉर्मल भी कुछ होता है ना इस टाइप में डिस्ट्रीब्यूशन
तो वहां भी इसकी जरूरत होगी। पता नहीं मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है लेकिन कुछ ऐसा होता है, सभी जगह सबका यूज होगा। तो तुम लोगों को मालूम भी होगा, फिर भी मैं अपने सेफ्टी के लिए दिखा दी। तब मैं आगे बढ़ता हूं, टॉपिक का नाम दो जिसका मैं सोच करके आया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। प्रमोद को शांत कर लो, अपने आप को थोड़ा स्टेबल कर लो क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो एक मिनट स्टेबल हो जा क्योंकि अब डाइजेशन बिल्कुल चेंज होने वाला। तो हाँ थोड़ा मेडिटेशन भी किया करो, ठीक है, मेडिटेशन भी किया करो। और एक चीज और है, मेडिटेशन के साथ साथ अपना इंटेंशन क्लियर रखो क्योंकि रिजल्ट ना बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। मैं धीरे धीरे सब पर बात करूंगा, एक समय आएगा मैं तुम्हें इंटेंशन वर्ड सुना सुना करके मींस बोर कर दूंगा, ठीक है ना, कि अपना इंटेंशन साफ रखो, इंटेंशन साफ रखो, इंटेंशन साफ रखो। तभी चूंकि मैं पढ़ाने में बिजी हूँ, तुम लोगों को सिखाने में बिजी हूँ, इसलिए बहुत सारी चीजें छूट गई है, ठीक है ना। जब मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा तो अब मैं एग्जाम का प्रिपरेशन करूंगा। एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यानी रिजल्ट बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। तुम मान लो, मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ, मान लो कि 100 बंदे 100 के 100 जबरदस्त मेहनत कर रहे, जितना तुम करो उतना वो भी कर रहा है, तो क्या प्रभु सोच करके तुमको सीख देंगे, या क्या प्रभु सोचेंगे, यानी ऊपर वाले को भरोसा रखते हैं, जो भी है जिसका जो भी इष्ट देवता है वो मीन्स, और भगवान की नजर सब पर होती है, सबको पता है, ऐसा नहीं कि मेरे पर ज्यादा नजर भी है किसी और पर कम, ऐसा तो है नहीं, उनके नजर में सब एक समान है। तो वो किस बात से वो फिल्टर करेंगे, कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना। जैसे दो लड़कों का मार्क्स सेम आ जाए और उसमें से किसी एक को ही टॉप रैंक देना, तो उसके अलावा कुछ तो क्राइटेरिया डिसाइड करना होगा ना कि किसने ज्यादा गलत किया, किसने कम गलत किया। मान लो कि दोनों की गलतियां भी सेम है, अब उसमें ये डिसाइड करेगा कि दो मार्क्स का कितने क्वेश्चन ज्यादा किया, यानी कहीं तो एक जगह होगा जहां पर वो चीजें फिल्टर हो जाएगी, यानी हम फर्स्ट रैंक डिसाइड कर पाएंगे, यहाँ इस लड़के को फर्स्ट रैंक देना चाहिए। तो 100 बंदे हैं, 100 स्टूडेंट्स है जो एक समान मेहनत कर रहे हैं, मेहनत में कहीं कमी नहीं, जितना टाइम्स तुम रिविजन कर रहे उतना टाइम्स वो भी कर रहा है, जितना बेहतर से तुम मेहनत तरीके से मेहनत कर रहे हो, जितने बेहतर से तुम चीजों को कर रहे सिर्फ उतना ही बेहतर वो भी कर रहा। तो क्या अब क्राइटेरिया होगा कि इनमें से किसी 15 का सिलेक्शन होगा, या किसी 10 का सिलेक्शन होगा, या किसी 20 का सिलेक्शन होगा, क्या कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना। तब यहां पर बात आती है तुम्हारा नेचर, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा विहार, तुम्हारा इंटेंशन, इसकी बात है कि तुम्हारी सोच दूसरे के प्रति कितनी अच्छी है, ये माइंड। और ये मैं गारंटी के साथ देता हूँ, ये मैं प्रैक्टिकल देखा हूँ, कई बार देखा हूँ, अपने आंखों से देखा हूँ, खुद मेरे साथ भी हुआ, किसी और मेरे आंखों के सामने कई बार हुआ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही अंधेरे में तीर मार रहा हूं, ये कई बार मेरे सामने हुआ कि लड़का एवरेज भी है, एवरेज भी है और थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा है और उसका इंटेंशन साफ है। इंटेंशन साफ करने का मतलब कि उसके दूसरे के प्रति सोच अच्छी है, दूसरे के बारे में पूरा नहीं सोचता है, वैसे बंदे को चीट नहीं करता है जो उसके लिए मेहनत कर रहा है। देखो चीट जो कर रहा है ना उसके साथ चीट करो, मैं भी कहूंगा नो डाउट, जो तुम्हें चीट कर रहा है तुम उसके साथ करो चलेगा, लेकिन जो तुम्हारे प्रति ऑनेस्ट है, तुम्हारे लिए अच्छे से मेहनत कर रहा है, तुम्हें दिल से चाहता है, तो उसको चीट मत करो, ठीक है ना, उसको चीट मत करो, उसको चीट करो तो फिर बहुत लगेगा, या किसी और के लिए वो मेहनत कर रहा है, भले तुम्हारे लिए मेहनत नहीं कर रहा, या तुम उसको नहीं जानते हो और वो किसी और के लिए, तो उसके बारे में कुछ गलत मत बोलो, वो चीज है, यदि अनजाने में बोल भी दिया
तो उसको सॉरी बोल के चीजों को इम्प्रूव करो। यानी कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, न मैं हूं न तुम, बुराइयां तुम में भी है और बुराइयां मेरे में भी है। तब अच्छे बनने की कोशिश करते, तो अच्छे बनने की कोशिश करना है, ऑनेस्ट रहना, दूसरे के भी प्रति रहना है और अपने भी प्रति रहना। तो ये होता है इंटेंशन का मतलब। लेकिन तुम लाख टैलेंटेड और तुम्हारा इंटेंस सही नहीं है, तो मैं 99% चांस में कह सकता हूं कि तुम्हारे लिए IIT का दरवाजा बंद है। क्योंकि आप जो भी बंदे आते हैं ना, बहुत साफ दिल के आते हैं। जब इनसे तुम बातें करोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि ऐसा बंदा मैंने आज तक लाइफ में कभी देखा ही नहीं। इतना सॉफ्ट होते हैं, इतना दिल के साफ होते हैं। अब कहोगे सर, यदि 100 के 100 उसी नेचर का हो गए, तो उनमें जिनका बेड नहीं होता है कि एक 5 मर्डर किया है, एक 10 मर्डर किया है, तो हम किसको चुनेंगे जो 5 मर्डर किया। जैसे पॉलिटिक्स में ही ले लो, सबके सब लुटेरे हैं, हमें भी पता है। हम किसको चूज करते हैं? जो कम लूट रहा है, ठीक है ना, जो कम लूट रहा है उसी को। ईमानदार कोई भी नहीं है, तो हम उनको चूज करें जो थोड़ा कम बेईमान है, थोड़ा कम देगा। भले बाद में ज्यादा बेईमानी करने लगे, अलग बात है, ठीक है ना, तो अलग केस है। तो वही चीज है कि अच्छा बनने की कोशिश करो, और अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो एवरेज मेहनत में भी अच्छी जगह पहुंचोगे, इसकी गारंटी। IIT में भी ऐसे बहुत बंदे जिनको देख करके लगता है कि वो IIT में नहीं होने चाहिए, लेकिन उनका दिल साफ है इसलिए वो IIT में, उनका इंटेंशन साफ है, उनकी सोच बिल्कुल अच्छी है इसलिए वो IIT में। एक पिछले बार मेरे पास स्टूडेंट था, पिछले के पिछले बार, वो मेरे टेस्ट में टॉप करता था, लेकिन उसका इंटेंशन सही नहीं था, और मैं उसको बोल दिया था कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा, और उसका सच में रिजल्ट नहीं होगा। बोला कि कोई नहीं, वो मुझे गाली देता था, ठीक है, अलग अलग नाम से, और मुझे मात्र 10 दिन के लास्ट में ज्वाइन किया था, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, ठीक है ना। और चलो मुझे गाली दिया, मैं बर्दाश्त कर लिया, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, मुझे लगता है। लेकिन वो मेरे स्टूडेंट्स को भी मैसेज करने लगा, लड़कियों को ट्रैप करने लगा, तो वो कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया। तो मैंने उसको बोल दिया कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए जो हो, और उसका सच में सिलेक्शन नहीं हो। कहा कि सर मेरा IAS सही हो जाएगा, कि दुनिया का तुमसे कोई एग्जाम क्रैक नहीं होगा, और उससे नहीं हुआ। पता नहीं यदि उसने इंप्रूव कर लिया होगा आदत में, वो इस बार IIT में होगा, ठीक है ना। यदि उस आदत में वो सुधार कर लिया होगा, तो इस बार वो IIT में आएगा, यानी मेरा जूनियर बन गया है। लेकिन उसको मैं शक्ल से नहीं पहचानता हूँ, नहीं उसको नाम से पहचानता। तो उसके बाद तो मुझे कभी मैसेज नहीं किया, उसको मैं ज्ञान दिया था कि पहले मैं भी उसको खूब गाली दिया था, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इरिटेट कर दिया था। तो वो है, तो फिर उसको नसीहत दिया था, शायद उसने सुधार किया होगा, यदि सुधार किया होगा तो वो इस बार IIT में आए। तो वो पढ़ने में लड़का काफी अच्छा था, किसी भी क्वेश्चन को विदिन द टाइम कर देता, मीन्स वो अच्छा था, लेकिन फिर भी IIT में आएगा। इस बार भी एक लड़का था, तो उसकी भी सोच थोड़ा अजीब टाइप से थी, तो मुझे उस पर डाउट होता था यार ये, और मैं टेस्ट में अच्छा करता था, फिर भी मेरे अंदर एक अंदर से आवाज आती थी, यार लग रहा है कि ये फंसेगा लड़का, लग रहा है कि फंसेगा लड़का, और सच में फंस गया। फंसने का मतलब तो उसकी रैंक अच्छी नहीं है, तो मुझे अंदर से लगने लगता है, क्योंकि मैं सब स्टूडेंट से बातें करता हूँ ना, मैं सबको कॉल करता हूँ, अभी थोड़ा ज्यादा हो गया इसलिए सबको एक साथ बतला रहा हूँ, लेकिन मैं हर एक स्टूडेंट्स को कॉल करता हूँ, कॉल करके पूछता हूँ कि तुम्हारा कैसे क्या चल रहा है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, वगैरह वगैरह। तो वो है, वहां से पता चल जाता है। हाँ, तो आओ थोड़ा बहुत स्टेबल हो गए, तो 15 मिनट और पढ़ते बीच में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को जनरली ऐसे ही डिनोट करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा का लेख है कि ऐसे ही करें। जब तक लिखेगा नहीं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, खुद से एज्यूम नहीं करना। कहने का मतलब यह है कि जब भी ऐसा नोटेशन आए तो कोचेस में पढ़ना है कि यह इसको किस नाम से बुला रहा है, खुद से नहीं मानना है। मैक्सिमम लड़के गलती इसलिए कर देते कि वो खुद से एज्यूम कर लेते कि यह ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यह गलत है। क्या करना है, क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ना है, क्या पता इसका नाम कुछ और हो और तुम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ लो, पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि अब ब्रह्मा का तो लेख है नहीं, लक्ष्मण रेखा तो है नहीं, खींच दिया तो यही ही होगा। जनरल नोटेशन है, फिक्स नोटेशन नहीं है। तो
या मैं बोल रहा हूँ कि ग्रेटर, यानी तुम्हें ध्यान देना है कहने के लिए। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि इसलिए यदि कोई नंबर है 1.2 तो इसके जस्ट जो पहले इंटीजर है वो होगा। इसके जस्ट पहले इंटीजर क्या है, रियल नंबर पर देखो या 1.2 यहाँ है, इसके जस्ट पहले इंटीजर बतलाओ क्या है। मैं तुमसे पूछूंगा कि बाबू 1.2 के जस्ट पहले इंटीजर क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, 1 है तो इसका मतलब 1 है। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये है, इसका मीनिंग भी समझा देता हूँ ग्रेटेस्ट क्यों पड़ा, कि इसका मतलब है कि इसके पहले बहुत सारे इंटीजर है ना, इसके साथ इसके पहले बहुत सारे इंटीजर है, बहुत सारे इंटीजर क्या है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है कि इन सभी इंटीजर में जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो इसकी वैल्यू, यानी इसके इसके पहले बहुत सारे इंटीजर से बहुत सारे इंटीजर है उनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, उन इंटीजर्स में जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा वो इसकी वैल्यू होगी, और वो नंबर क्या है, 1। दूसरे लैंग्वेज में मैं बोलूं कि इस नंबर के जस्ट पहले वाला इंटीजर, यदि इसके अंदर नॉन इंटीजर नंबर है तो इस यानी जो अंदर में होगा उसके जस्ट पहले इंटीजर, जैसे -0.5, इसके जस्ट पहले इंटीजर क्या है, बोलो तुम बोलो कोई है? सो गए हो क्या, -1 जस्ट पहले इंटीजर क्या है, -1.5 इसके जस्ट पहले इंटीजर क्या है, -2 है, √3 इसके जस्ट पहले इंटीजर बतलाओ क्या, √3 की वैल्यू कहाँ आएगी, √3 की वैल्यू 1 से लेकर के 2 के बीच में आएगी, यानी यही कहीं ना कहीं होगा ना, इसके जस्ट पहले इंटीजर क्या है, 1 है, इसके अंदर इंटीजर है 1 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, यानी इसके अंदर एग्जैक्ट इंटीजर है तो वही इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी, सेम बाहर आ जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर नॉन इंटीजर है तो हम उसके जस्ट पहले इंटीजर देखेंगे, जैसे 0.1 इसके जस्ट पहले इंटीजर क्या है, 0 है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.00000 यहां से लेकर के अमेरिका तक 0 और लास्ट में 1, इसके जस्ट पहले इंटीजर क्या है, 0 है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, अरे भूल गया जो भाई 9.999999 और मान लो तुम रुक ही नहीं रहे हो, चलते जा रहे हो स्पेस में, तुम चलते रुक नहीं रहे हो, तो इसके जस्ट या एग्जैक्ट 1 नहीं है ना, या 1 नहीं है, तो इसके जस्ट पहले इंटीजर क्या है, 0 है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी जब तक यह एग्जैक्ट 1 ना हो जाए या एग्जैक्ट इंटीजर ना हो जाए तब तक उसकी वैल्यू वो नहीं आएगी, तब तक क्या आएगा, उसके जस्ट पहले इंटीजर, इसके जस्ट पहले इंटीजर क्या है, 0 है, भले ही 1 के कितना ही क्लोज क्यों ना है उससे मतलब नहीं, इसका मीनिंग समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आ गया ना, ये तो नहीं सर। अब इसको थोड़ा इन जनरल करता हूं क्योंकि इसमें टाइम लूंगा मैं, देखो पता नहीं तुम कैसे पढ़ के आए हो उससे मुझे मतलब नहीं, देखो यदि x की वैल्यू तुम यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर तुम थोड़ा ध्यान से दो, देखो 1 से मैं 2 के बीच की बात करता हूँ, यदि मैं x की वैल्यू इसके बीच का कुछ भी पिक करो 1.001 वैल्यू 1, 1.002 वैल्यू 1, 1.2 वैल्यू 1, 1.999999 यहाँ पर अमेरिका तक 99 लगा दो फिर भी वैल्यू 1, तो देख रहे हो ना क्यों इसके बीच की कोई भी वैल्यू पिक कर रहे, कोई भी ऑलवेज क्या आ रहा, 1 आ रहा, 1 आ रहा, यानी कहने का मतलब कि यदि दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर के बीच का यदि कोई नंबर यहाँ पर पुट करते हो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज फिक्स आ रही है, एक ही इंटीजर है, चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जैसे तुम यहाँ पर 2. समथिंग रखो वैल्यू चेंज हो गया, यानी यदि x की वैल्यू तुम दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर के बीच में लेते हो, जैसे x की वैल्यू तुम ये ले लो
जीरो टू वन के बीच, जीरो टू वन के बीच, तो मतलब कि तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यदि इसके बीच का कोई भी नंबर यहाँ पुट करते हो तो वैल्यू क्या होगी? जीरो, जीरो होगी। सिमिलरली सिमिलरली यदि एक्स की वैल्यू, यदि एक्स की वैल्यू, यदि एक्स की वैल्यू तुम ये पिक करो वन से लेकर के टू के बीच में, और यहाँ तुम कुछ भी यहाँ का कोई भी नंबर पुट करो, कोई भी नंबर वन, तो इसके जस्ट इंटीजर वन है। सिमिलरली यदि एक्स की वैल्यू, तुम एक्स की वैल्यू टू से क्या ले लो, थ्री ले लो, और यहाँ पर तुम पुट करो कोई भी इसका नंबर यहाँ पर पुट करो, तो जस्ट कॉल इंटीजर क्या मिलेगा? देखो एग्जैक्ट थ्री नहीं है, थ्री पर इक्वालिटी नहीं है, स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है, ठीक है ना? तो वैल्यू क्या हो जाएगी? समझ में आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब? जस्ट कहले वाला जस्ट कहले, इसको डिफाइन करके तो आपको स्टेटमेंट से पकड़ना होगा कि यह ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो लिखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स, इफ यदि ये तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, ये लेस देन इक्वल टू एक्स होगा, सही है ना? सही लिखा हो ना? हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? लेस देन इक्वल टू एक्स होगा, और ये क्या होता है? ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये मैं डिनोट कर रहा हूं, ये मैं लिख रहा हूं, इसलिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और इसको मैं कैसे डिफाइन किया, इसकी वैल्यू कैसे निकाला हूं, ये मैं बतला दिया हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब कि इस एक्स के पहले जितने भी इंटीजर है उनमें से जो ग्रेटेस्ट होगा वो इसकी वैल्यू होगी, वो यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ये नाम से ही पता हो रहा है, यानी नाम से ही मतलब है, नाम में ही मीनिंग छुपा है, नाम में ही इसका मीनिंग है कि ग्रेटेस्ट का मतलब कि इस नंबर के पहले जितने भी इंटीजर है उसमें सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। मैं वही लिख रहा हूं, उसी को दोबारा लिख रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर बिफोर एक्स या लेस देन एक्स वेन एक्स नॉट इक्वल टू इंटीजर। ये कब होगा? जब एक्स लेस नॉट इक्वल टू इंटीजर होगा, यदि एक्स तुम्हारा इंटीजर होगा ये इंटीजर होगा, वेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। आई से हम इंटीजर को जनरली डिनोट करते हैं, ठीक है ना? लिख यानी इसके पहले जितने भी इंटीजर है उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इस नोटेशन का मतलब याद मत कर लेना, ये ग्रेटेस्ट ही है, पहले पढ़ लेना देन डिसाइड कर, तब इसको मैं डिफाइन करता हूं। जैसे तुम्हें दे देगा वाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसको मुझे डिफाइन कर, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आना तो ही मेरे से क्वेश्चन होगा, अदरवाइज मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो पहला काम होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकलना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर तुमने अभी अभी देखा कि दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर के बीच में इसकी वैल्यू फिक्स है, तो मैं माइनस वन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना? इधर से वैसे मैं चलते आ रहा हूँ, सपोज मैं चलते आ रहा हूँ, तो देखो जब एक्स की वैल्यू माइनस वन से जीरो के बीच में आप पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मुझे खुद ही बतला इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस वन। जब एक्स की वैल्यू जीरो टू वन के बीच में, देखो मैं जीरो पर इक्वालिटी क्यों नहीं लगाया,
देखो जब तुम जीरो पे इक्वालिटी लगा दोगे तो वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगी ऐसे, नेचर बदल जाएगा। अब मुझे फिक्स रखना है, इसलिए मैंने जीरो पर क्या लगा दिया, स्ट्रिक्टली लगा दिया, ताकि इसकी वैल्यू इस इंटरवल में क्या रहे, फिक्स रहे, इस इंटरवल में इसकी वैल्यू फिक्स रहे। जब एक्स की वैल्यू जीरो टू वन के बीच में होगा तो देखो तो इसके जस्ट पर क्या है, जीरो वन। अब सर तुम होशियार हो गए हो, चलो बात होगी, जब क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें क्लिक करता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट लिख, यानी कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, तुम्हें क्या करना है, उसको दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर के बीच में मान करके उसकी वैल्यू को फिक्स करना। मैं इन जनरल क्वेश्चन से बतला देता हूं, आप लिख, अब इसको मैं इन जनरल कर देता हूँ, इन जनरल, क्योंकि हमेशा तो एक्स मिलेगा नहीं, आपको भी पता है ना। तो मान लो कि यहाँ पर हो गया कैपिटल एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट, ये हो गया, कोई भी आप फंक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो देखो तो यदि आपको इसको ब्रेक करने में प्रॉब्लम आ रही है, मान लो सपोज दैट प्रॉब्लम आ रही है, और आपको ये तो ब्रेक करने आ गया ना, आपको भी पता है कि ये मुझे आ गया, तो काम करो ना, इसको कैपिटल एक्स मान, हो गया, मुझे ये आता था मैंने ये लिख लिया, मुझे ये आता था मैंने ये लिख लिया, मैंने जो मुझे आता था मैं वहां तक जाने की कोशिश कर रहा, मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ये तो मुझे समझ में आ रहा है ना, तो मैंने ये लिख लिया, लिख लो, तो क्या हो जाएगा, एक्स को डिफाइन करो, या माइनस वन कब होगा, जब इसकी वैल्यू माइनस वन से जीरो, इसके पहले भी वैल्यू दे सकता है, लेकिन मैं कुछ को लिख करके बतला रहा हूं कि इसी नेचरता में आगे बढ़ना है, इसी वे में आगे बढ़ना है, ठीक है। जब इसकी वैल्यू इसके बीच में होगा तो वैल्यू क्या होगी, जीरो, जब इसकी वैल्यू इसके बीच में होगा, तो मैं बस इतना ही करके छोड़ दे रहा हूं, समझ में आ गया ना कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। और एक्स को तुमने क्या माना है, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स आप फूट करो, यहां से क्या हो जाएगा, माइनस वन कब होगा, जब एफ एक्स की वैल्यू जीरो टू वन के बीच में होगी, और उस समय जब क्वेश्चन आएगा ना तो तुम्हारा बाउंस करने लगेगा कि अब कैसे आगे बढ़े, तो बाबू आगे ऐसे ही बढ़ना है। अब यहां पर एक चीज आप देख रहे हो, यहां पर क्या आ गया, ध्यान से देखो तो इनइक्वालिटी आ गया ना, अब ध्यान देखो इनइक्वालिटी आ गया, यानी आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने आना चाहिए, आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने आना चाहिए, और इनइक्वालिटी सॉल्व करने आपको आ गया, भले मैं ज्यादा नहीं पढ़ाया हूं लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर के छोड़ दिया। जब भी मैं क्वेश्चंस आपके सामने, जब भी आपके सामने क्वेश्चंस आएगा तो मैं आपको उस समय जब समझाऊंगा तब समझ जाओगे, इसलिए मैं उसको वहीं तक छोड़ दिया, यानी मेन आपको बेस ओरिजिन पढ़ा दिया, जो उसका ओरिजिन है ना इनइक्वालिटी का, वो मैं आपको बतला दिया, और मैं उसका कभी भी यूज करूंगा तो आप उस चीज को कैच कर लो, यानी मेन कॉन्सेप्ट, यानी आपको मेन चीज क्या आनी चाहिए, इनइक्वालिटी आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। तो आपका इतना भी एडवांस क्वेश्चंस नहीं आएगा कि आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसको मैं ब्रेक करके क्वेश्चंस करा के आपको छोड़ देता हूं, आप लिखो क्योंकि रात ज्यादा हो रही है। कल मैक्सिमम चांस है कि आप लोगों का फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स अगले क्लास में, कल का मतलब अगले क्लास में, क्योंकि ये श्री गणेश कर दिया ना। चलो मैं पहले आसान से स्टार्ट कर, इसको मुझे ब्रेक करना है, ठीक है ना, ब्रेक करना, इसे मुझे ब्रेक करना है, यानी ब्रेक करने का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आना। तो कैसे मानोगे, कैसे मानोगे, यही ना, यदि इसकी वैल्यू माइनस वन से जीरो, माइनस मतलब जरूरी है कि हमेशा आप यही लोगे, इसके अकॉर्डिंग मुझे चूज करना है। तो मैं एक विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आपको समझा दिया कि हम ऐसे ही ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। तो मान लिया इसकी वैल्यू माइनस वन कब होगी, जब अंदर के फंक्शन की वैल्यू इसके बीच में हो,
सही है ना, जब यह इसके बीच में होगा, यदि ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है ना, आप इसको कैपिटल एक्स मान, देन ब्रेक करके वापस इसको पुट कर देना जैसे मैं किया हूं, यानी मैं आपको यहां से यहां पहुंचा दिया, अब मैं इसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, और आप इसको भूल जाते हो, दिक्कत नहीं होती, आपका मेन फोकस ये होता है, क्योंकि मैं टाइम बचाने के लिए इसको बार बार बताऊंगा तो आप बोर हो जाओगे ना, बात ये है, और आप बाद में इसको भूल जाते हो कि मैं ये यहां से यहां आ कैसे रहा हूं, इसलिए आपको प्रॉब्लम होगी बाद में। तो ओरिजिन को हमेशा पकड़ के रखना है, क्योंकि आपका जब भी साथ देगा डिफिनेशन ही साथ देगा, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड धोखा दे सकता है, लेकिन मम्मी पापा कभी धोखा नहीं देते, ठीक है ना, मम्मी पापा आपसे बेइंतहा प्यार करते थे, करते हैं, और आप किसी भी कंडीशन में रहो, उनके साथ कैसा भी व्यवहार करो वो करते रहे, यानी माँ बाप आपका क्या है, डिफिनेशन है, रिजल्ट है, तो उसको कभी नहीं छोड़ना, ये कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन यह कभी भी धोखा नहीं देता, ये कभी भी धोखा नहीं, हमेशा इसको पकड़ कर। सॉरी गलत लिख दिया ना यहाँ पर, यानी दो कॉन्जुगेटिव के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज फिक्स वैल्यू देता है, फिक्स वैल्यू देता, बस इतना है, इतना है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा, सॉल्व कर लो, मुझे x चाहिए ना, तो माइनस वन कब होगा, दोनों साइड माइनस वन को ऐड, मुझे x चाहिए, यहाँ पर x चाहिए, तो दोनों साइड माइनस वन को ऐड करोगे तो माइनस टू हो जाएगा ना, समझ में आया ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो अभी भी है, और दोनों साइड माइनस वन को ऐड करो, इधर जीरो हो जाएगा, और वन है, दोनों साइड माइनस वन को ऐड करो, यहां जीरो, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अब बात आती है कि इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा, इस पर क्या पूछ देगा ना, कि फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, फाइंड द वेरिएंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, कुछ यहां पर लिख देगा, लेस देन जीरो डाल देगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, इस टाइप से पूछ देगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर का काफी काम है, पीडीएफ हो, सीडीएफ हो, टीएमएफ हो, कहीं भी आपसे पूछ सकता है, वेरिएंस हो, एक्सपेक्टेशन हो, कुछ भी पूछ सकता है उसका यूज। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है ना, इस पर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे आगे, ठीक है, अब तब तक आप असाइनमेंट वगैरह ट्राई कर सकते हो, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर पर ही काफी ज्यादा क्वेश्चंस है, नहीं जब आप बेसिक टू बेसिक वन असाइनमेंट उठा रहे होंगे ना, तो उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही ज्यादातर क्वेश्चन मिल रहा होगा। यस सर, है सर। हाँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आज ही श्री गणेश हो पाया, तो कोई बात नहीं, वो भी जो मैं पढ़ाया हूँ, काम की चीज पढ़ाया हूँ, तो रात ज्यादा हो गई है, आप पर भी शायद बाउंस करने लगेगा, और इसकी जरूरत, चलो यहाँ तक कम से कम पहुंच तो गया ना मैं, तो अगले क्लास में, यानी इस वीक में हम लोग फंक्शन को पार कर जाएंगे। ओके सर, मंडे से लिमिट स्टार्ट होगी, मैं मैक्सिमम चांस है कि स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम चांस, तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज जा सकते हैं।